Thank you.
बड़े धूमधाम तरीके से आज जंगल वाले बाबा मुनिश्री मैं सागर जी गुरुदेव का प्रथम समाधि दिवस मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज भाटपारा में प्रकाश जी मोदी नगर में मंदिर में आज चरण पादुका संपन्न हो रहा है। Oh,
आप देख रहे वो सियासत जिसको मोहन दिया करते थे, ये वही सियासत है जो आज यादव रखा गया है। बड़े धूमधाम से मुनिषी चिन्मय सागर जी का प्रथम समाधि दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे भाटपारा में उनकी चरण पादुका को चंदन अभिषेक उनकी चरण पादुका पर किया जा रहा है। भाटपारा में जहां उनकी प्रेरणा से एक भव्य मंदिर का जिन मंदिर का निर्माण हुआ है, उस मंदिर में ही मुनिषी की चरण पादुका रखी गई है। सामने आप देख रहे वो सियासन जिस पर बैठ कर जंगल वाले बाबा प्रवचन दिया करते थे अपने भक्तों को और देश के हजारों लाखों लोगों को। ये उनका पिंछी और कमंडलू है जो वो उपयोग में लिया करते थे, अंतिम पिंछी और कमंडलू है। साथ में एक चातुर्मास का कलश भी आपने बाजू में देखा होगा। ये सारी चीज़ें वहाँ संजो कर रखी गई है। आज उनका प्रथम समाधि दिवस है। आज से एक वर्ष पूर्व अचानक हमारे बीच में से वो निकल गए थे। आज आइए हम कुछ ही पलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जाएंगे। मैं तब तक सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में पधार चुके हैं दिशाबोध पत्रिका के संपादक श्री चिरंजी लाल जी बगड़ा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात के तीर्थ क्षेत्र कमेटी अध्यक्ष पारस जी बज जैन हमारे बीच में है, उनका बहुत बहुत स्वागत। जैन राजनीतिक चेतना मंच के महामंत्री ललित जी जैन झांसी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। छूट संवर्धनी महासभा की कोषाध्यक्ष डॉक्टर रमा जैन दिल्ली, आपका बहुत बहुत स्वागत। हेलो, आइए हमारे बीच में है अखिल भारतवर्षीय विद्वत परिषद के महामंत्री सुरेंद्र जी जैन भारती, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा के उपाध्यक्ष महिपाल जी पहाड़िया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूर्वांचल का एक सितारा, पूर्वांचल के लिए एक अभिमान बाबूलाल जी काला, विजयनगर, आप
हमारे बीच पधार चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष संतोष जी जैन पेंडारी नागपुर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ सूत्र संवर्धनी महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष कमल जी बी जैन दिल्ली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमल जी फोन को आड़ा कर ले, आपकी इमेज आड़ी दिख रही है जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयपुर से तीर्थ संरक्षणी महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष धर्मचंद जी पहाड़िया भी हमारे बीच उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शायद उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, धर्मचंद जी पहाड़िया। जी उनका नेटवर्क में शायद कोई इशू है। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महाराष्ट्र अंचल के अध्यक्ष संजय जी पापड़ीवाल और मांगीतुंगी तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री मांगीतुंगी जी आदिनाथ ऋषभांचल मांगीतुंगी के महामंत्री तथा बीसपंथी कोठी समय शिखर जी के ट्रस्टी श्री संजय जी पापड़ीवाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान प्रांत धर्म संरक्षणी महासभा के अध्यक्ष कमल बाबू जैन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम कुछ ही पलों में इस कार्यक्रम को शुरू करने जाएंगे। हमारे बीच कई सारे अन्य लोग भी पधार चुके हैं। इंदौर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी अशोक जी काला, जो कई सालों से महासभा से जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। नाथूलाल जी जैन खिलोड़िया, कृपया अपना वीडियो शुरू करें। सभी लोग अपना वीडियो शुरू करें ताकि आपका परिचय हम सभी से करा सके। ललित जी अजमेरा हमारे बीच पधार चुके हैं। महासभा के मुनि वयोवृद्ध समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीपाल जी गंगवाल हमारे बीच पधार चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मुनि वयोवृद्ध समिति के राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप जी बढ़ जाता है इंदौर, पुलक चेतना मंच के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप जी बढ़ जाता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महासभा का मुख्य पत्र जैन गजट के राष्ट्रीय संपादक भरत कुमार जी काला हमारे बीच पधार चुके हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। महासभा के धर्म संरक्षणी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय जी दीवान, संजय जी आप दिख नहीं रहे, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजस्थान प्रांत के वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे राजेश जी शाह हमारे बीच है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महिला महासभा की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुनीता जी काला हमारे बीच है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री प्रकाश चंद जी जैन बढ़ जाते हमारे बीच पधार चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही पलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जाएंगे। मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी लोग अपना अपना वीडियो शुरू कर ले ताकि हम आपका परिचय करा सके। राष्ट्र गौरव डॉक्टर इंदु जैन भी हमारे बीच पधार चुके हैं। आयोजन समिति निर्मल ज्ञान योजना आयोजन समिति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। आइए हम तब तक दो मिनट में हमारे एक अतिथि आने में है, हम देख रहे हैं। परम पूज्य मुनिश्री चिन्मय सागर जी गुरुदेव का प्रथम समाधि दिवस के उपलक्ष्य में भाटपारा में जो कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है उसकी झलकी आप सभी के सामने है। मुनिश्री की चरण पादुका जिसका अभिषेक अभी अभी संपन्न हुआ है, वो अभिषेक और ये उनका सिंहासन है, आप सभी देख रहे हैं जिस सिंहासन पर वो बैठा करते थे, ये सिंहासन संजो कर रखा गया है, ये उनकी चरण पादुका। मैं प्रकाश जी मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करूंगा, उन्हें उन्होंने यह अवसर हमें प्राप्त कराया। ओमकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को ताला।
अतिथि कुछ ही पलों में हमारे बीच होंगे और हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तब तक कुछ और हमारे लोग हमारे बीच विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं, उनका सभी का परिचय मैं आप सभी से करा दूं। तीर्थ संरक्षणी महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राजकुमार जी सेठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हाँ जी बोलिए। महाराष्ट्र प्रांत के तीर्थ संरक्षणी महासभा के महाराष्ट्र प्रांत महामंत्री महावीर जी ठोले औरंगाबाद हमारे बीच है। इसके साथ ही जय कुमार जी कोठारी जयपुर हमारे बीच में है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महासभा के गुजरात प्रांत के वरिष्ठ पदाधिकारी जेपी जैन लालास सूरत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जमनालाल जी जैन हपावत हमारे बीच जुड़ चुके हैं। अरियंत शिक्षण संस्था औरंगाबाद के अध्यक्ष चेयरमैन महावीर जी सेठी हमारे बीच है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। औरंगाबाद में शानदार तरीके से एक स्कूल चलाते हैं जिसमें जैन बच्चों को सभी के लिए एडमिशन है, जैन बच्चों को उसमें कम पैसे में एजुकेशन दिया जाता है। हम देख रहे हैं चिन्मय सागर जी महाराज जी के चरण पादुका का अभिषेक, भाटपारा में आज उनके प्रकाश जी मोदी के ग्रह नगर में एक भव्य मंदिर का निर्माण चिन्मय सागर जी गुरुदेव के प्रेरणा से हुआ था, उसी मंदिर में आज उनकी चरण पादुका का अभिषेक संपन्न हो रहा है। जंगल वाले बाबा जिनका आज प्रथम समाधि दिवस है, आदिनाथ भगवान की जय। हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, हमारे बीच में परम पूज्य प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। मैं महाराज जी के राकेश जी से निवेदन करूंगा, कृपया महाराज जी का वीडियो शुरू करवाए। परम पूज्य प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव और बाकी सभी से निवेदन है, सभी लोग अपना अपना वीडियो भी शुरू करें ताकि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सके।
आइए हम सभी आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज महासभा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट निर्मल ज्ञान योजना, इस कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह आज आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में कहा जाता है, राकेश जी जैन से निवेदन है, कृपया महाराज जी के वहां वीडियो शुरू करवाए। राकेश जी जैन नमोकार तीर्थ पर, राकेश जी जैन हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध समाजसेवी एवं सुप्रसिद्ध उद्योजक श्री सौभाग्यमल जी कटारिया अहमदाबाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही अनिल जी सेठी बेंगलोर, जो कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि है अनिल जी सेठी बेंगलोर। आइए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक जी बैनडा, जो युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं कार्यक्रम की शुरुआत श्री ज्योति जी पाटनी जी से निवेदन करूंगा कि वे आज के कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से करें। ज्योति जी पाटनी नागपुर मंगलाचरण पेश करेंगे। अज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवाधिदेव वीर प्रभु परमात्मा के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मम गुरु परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण आचार्य श्री देवनंद जी महाराज स्वसंग के चरणों में मेरा शत शत नमन। सभी परम आदरणीय भाइयों तथा बहनों से मेरा सविनय जय जिनेन्द्र। आज महासभा के द्वारा एक बहुत अच्छी योजना का शुभारंभ हो रहा है। मैं प्रभु चरणों में प्रार्थना करती हूँ ये जो निर्मल ज्ञान योजना आज शुभारंभ हो रही है उसका प्रकाश पूरे भारत भर में फैले। मैं मंगलाचरण के रूप में कुछ लाइनें यहाँ समर्पित कर रही हूँ। आचार्य श्री का आशीर्वाद और आप सबका ध्यान चाहूंगी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। बहुत सुंदर ज्योति जी पाटनी नागपुर, आपने बड़ी सुंदर तरीके से मंगलाचरण पेश किया। अब हम चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे चरण की ओर। कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। जी हाँ, शिक्षा से घर, समाज और पूरा देश रोशन होता है। और रोशनी के इस योजना के, इस निर्मल ज्ञान योजना में पूरे देश में, समाज में रोशनी फैलाने का काम हम सभी को करना है। और इसी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के माध्यम से करेंगे। अनिल जी सेठी बेंगलोर, इनसे निवेदन है रोशनी फैलाने के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें दीप प्रज्वलन के माध्यम से। अनिल जी सेठी बेंगलोर,
सुंदर अनिल जी सेठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दीप ज्वलन के माध्यम से इस कार्यक्रम का आगाज किया है। आइए हम चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। आज हमारे बीच में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधार चुके हैं श्री सौभाग्यमल जी कटारिया, अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध उद्योजक, जाना माना नाम पूरे देश में, जिनका नाम जाना पहचाना जाता है, ऐसे सौभाग्यमल जी कटारिया। इनका परिचय देने के लिए मैं निवेदन करूंगा भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री जमनालाल जी जैन हपावत जी, इनसे निवेदन है आप हमारे मुख्य अतिथि का परिचय करवाएं। जमनालाल जी, सबको जय जैन। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय, आचार्य देवनंद जी महाराज की जय। आज हमें यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी चिर परिचित निर्मल ज्ञान योजना का उद्घाटन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात है कि हमारे इस योजना का उद्घाटन और डी प्रजन ऐसे दो महानुभार कर रहे हैं, सरल हृदय आदरणीय बाबूजी श्री सौभाग्यमल जी कटारिया साहब अहमदाबाद के द्वारा हो रहा है। और निश्चय ही ये हमारी योजना बहुत पूरे भारत में फैलेगी। आपका जितना सरल हृदय है, जिस हृदय से आप हमारा इस उद्घाटन कर रहे हैं, हम इस योजना को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आदरणीय बाबूजी सौभाग्यमल कटारिया का परिचय मैं दे देता हूं। आप कटारिया ऑटोमोबाइल के मालिक हैं, दानवीर भामाशाह और ख्यातिपात उद्योगपति है ही हैं। पूरे देश में आपका नाम है, आपका मारुति सुजुकी का व्यवसाय है, उसमें आपका भारत में एक नंबर का नंबर आता है। आपने हमें एक ही फोन पर, हमारे निवेदन पर आपने इस योजना का उद्घाटन करने की स्वीकृति, और इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके द्वारा ये चालू गई योजना निसंदेह नित नई ऊंचाई पहुंचेगी, ऐसा हम अपेक्षा रखते हैं, ऐसा हम आपसे आशीर्वाद भी चाहते हैं। जय जिनेन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एक आदर्श व्यक्तिमत्व आज मुख्य अतिथि के रूप में प्राप्त हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सौभाग्यमल जी कटारिया। आइए हम चलते हैं कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री अनिल जी सेठी बेंगलोर, इनका परिचय देंगे श्री जमनालाल जी। आवाज नहीं आ रही, आवाज कम है। आ रही आपकी आवाज? आ रही है। जय जिनेन। श्री भाई साहब अनिल जी, अनिल जी जी एकदम सरल हृदय के हैं। मेरा तुमसे परिचय लगभग 2006 महामस्तकाभिषेक में हुआ था। आप सबसे बड़ी बात यह है कि महामस्तकाभिषेक 2006 और 2018 जो आवास का काम आपने किया है, पूरे विश्व में एक अजोड़ काम हुआ है। आपने 24 घंटे इस महामस्तकाभिषेक लेके के जो काम किया है, इतने पब्लिक की मतलब डिमांड थी, इतना पब्लिक का प्रेशर था, और उस प्रेशर को आपने सहन करके जो अद्वितीय काम किया है, और स्वामी जी के आप विशेष कृपा पात्र हैं। मैं आपका परिचय दे देता हूं। आप चेयरमैन हैं एसपीएल इंफ्रा लिमिटेड के, और आपको अवार्ड मिला है 2009 में
इंटरप्रेशनर ऑफ अवार्ड 2009 फॉर कंट्रीब्यूशन एज ए बिजनेस लीडर फॉर एक्सलेंस फॉर एक्सप्रेस एशिया सिंगापुर श्रावक रत्न का अवार्ड श्री चारुपति भट्टाचार्य स्वामी ने 2006 महामस्तकाभिषेक में आपको दिया है, जब जो उसमें भी आप आवास समिति के अध्यक्ष थे। समाज रत्न का भी आपको अवार्ड चारुपति स्वामी ने अभी 2018 में दिया है। भामाशाह का बाई जैन युवा संगठन संगठना के द्वारा मिला है। विकास ज्योति अवार्ड है आपको मिला है। इंडिया क्वालिटी गोल्ड स्टार अवार्ड भी आपको मिला है। द प्राइड ऑफ इंडिया गोल्ड स्टार अवार्ड भी आपको मिला है। आप अभी सामाजिक में जो अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं वो है फाउंडर ट्रस्टी ऑफ एंड प्रेसिडेंट है आचार्य शांति सागरी फाउंडेशन, प्रेसिडेंट है श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट बेंगलोर, प्रेसिडेंट है श्री परमागम स्वारक ट्रस्ट सोनागिरी, पैटर्न ट्रस्टी है श्री ज्ञानोदय दिगंबर जैन ट्रस्ट, ट्रस्टी है श्री 1008 पारसनाथ मंदिर मोगडी रोड, ट्रस्टी है श्री 1008 पारसनाथ चेत्यालय बगूर, ट्रस्टी है श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट राजाजी नगर, ट्रस्टी है श्री SDJMI ट्रस्टी श्रवण बेलगोला। और आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइज प्रोग्राम आप सब करते हैं। फाउंडर ट्रस्टी हैं श्री केसरी चंद पूनम चंद जी सेठी ट्रस्ट टेबल ट्रस्ट, फाउंडर ट्रस्टी हैं श्री मीना ADD चैरिटी इनिशिएटिव फाउंडेशन, सक्सेसफुली लीड टेम्परेरी एकोमोडेशन फॉर माँ मस्तकाभिषेक एट श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला 2006-2018 श्री पूनम चंद सेठी चैरिटेबल ट्रस्ट आई हॉस्पिटल इन ऑपरेशन सिंस 1997 इन कर्नाटका, ए वेल इक्विप्ड आई हॉस्पिटल फॉर द इकोनॉमिकली पैटर्न ऑफ द रीजन चैरिटेबल आयुर्वेदा हॉस्पिटल सोनागिरी मध्य प्रदेश, मोबाइल हॉस्पिटल एट कनकगिरी एंड नमोकार्तिक। इस तरह से आप देश के विभिन्न संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और आपका सामाजिक और धार्मिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इनसे पास रह के एक ही बात जानी है, इतने सरल हृदय हैं और साफ मन के आदमी हैं। और ऐसे बाबूजी और श्री अनिल जी के द्वारा जो हमारा इस कार्यक्रम उद्घाटन निस्संदेह हमारी ऊंचाई पहुंचेगा। हम आपका जिस तरह से आपने हमें हर बार साथी हाथ बनाना से अनिल जी हमारे रोज जुड़े हुए थे, लगभग 6 महीने से हर मेरा प्रोग्राम देखते थे, बाबूजी भी हमारे हर प्रोग्राम में आते थे। आप सबका प्रेम आशीर्वाद से हम इस चैनल को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। जय जी नैन जी, जमनालाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी सेठी जी का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी सेठी श्रवण बेलगोला का जो महामस्तक अभिषेक है देश में 12 साल की। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज पूरी आ रही है। आप मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, पूरी आ रही है, हमको कोई दिक्कत नहीं। आवाज बंद हो गई क्या? जमनालाल जी आपकी आवाज हमें पूरी तरह आ रही है, आप एक बार फोन चेक कर लीजिए अपना। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रवण बेलगोला जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रम को लगातार दूसरी बार अंजाम देने में आपने विशेष भूमिका निभाई है। आप हमें आज विशिष्ट अतिथि के रूप में आज हमारे बीच है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम चलते हैं कार्यक्रम के अगले पायदान की ओर। कहते हैं अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है मेरा देश महान, मेरा समाज महान। यह शिक्षा एक बहुत बड़ा पहलू हर आदमी के जीवन में होता है। अगर शिक्षा ना मिल पाए तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता। और शिक्षा समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। शिक्षा से ही आदमी
दुनिया को, देश को एक नया रास्ता दे सकता है, एक नई सोच दे सकता है, एक नया विचार दे सकता है, और आदमी के अंदर जो कुछ भी है उस प्रतिभा को निखारने का काम शिक्षा करती है। तो आइए हमारे देश को महान बनाने के लिए, इस देश को, इस समाज को महान बनाने के लिए निर्मल ज्ञान योजना की शुरुआत महासभा के द्वारा की गई है, और इस योजना को खड़ा करने के लिए जो मुख्य लोगों ने हमें मदद की है, जो जिनके आधार पर यह योजना खड़ी हुई है, जो हमारे स्तंभ है, ऐसे इस योजना के डायमंड स्तंभ, उनका परिचय हम आप सभी से कराएंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, डायमंड स्तंभ यानी ये वो व्यक्ति है जिन्होंने इन बच्चों के लिए प्रति माह 1,11,000 रुपये एक साल के लिए, यानी लगभग 13,21,000 रुपये देने की घोषणा की है। प्रति एक साल के लिए वह 13,21,000 रुपये देंगे। ऐसे 5 डायमंड स्तंभ हमें इस योजना के लिए मिले हैं। आइए मैं आपके सामने एक एक का परिचय कराता हूँ। सबसे पहले हमारे सामने है प्रदीप जी जैन, PNC ग्रुप आगरा, और इनका परिचय कराने के लिए मैं बुलाऊंगा इस योजना के कमिटी मेंबर श्री हर्षवर्धन जी गांधी इंदौर, हसमुख जी गांधी इंदौर, माफी चाहूंगा, हसमुख जी गांधी इंदौर। हसमुख जी गांधी जी से निवेदन है अपना फोन अनम्यूट करें और हमारे डायमंड स्तंभ का परिचय करा। सभी को सादर जय जी ने महासभा की आवाज आ गई सर? ना आ रही है। आ गई, आ गई, ठीक है। निर्मल ज्ञान योजना जो कि राष्ट्रीय स्तर की महासभा की बहुत महती योजना है और बहुत लंबी चलने वाली है, शिक्षा की योजना है, छात्रवृत्ति की योजना है, इसके हमारे जो पहले डायमंड सदस्य या हम कहेंगे डायमंड पिलर, डायमंड स्तंभ है आगरा के सुप्रसिद्ध उद्योगपति वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमान प्रदीप जी जैन PNC। महासभा एवं भारत वर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के आप प्रमुख हैं, स्तंभ हैं, वरिष्ठ और सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। ऐसे श्रीमान प्रदीप जी जैन PNC हमारे इसके डायमंड पिलर हैं। दिगंबर जैन शिक्षा समिति के आप अध्यक्ष हैं, जो कि आगरा की सबसे बड़ी और प्रमुख संस्था है, जिसमें MD जैन कॉलेज है, जैन बोर्डिंग है। आगरा के समस्त मंदिरों के आदरणीय PNC अध्यक्ष हैं, ट्रस्टी हैं। PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के आप चेयरमैन हैं, ये एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है। जितने बहुत ज्यादा मेगा 4-लेन प्रोजेक्ट और BOT प्रोजेक्ट जो भारत के प्रसिद्ध प्रोजेक्ट है, वो PNC इंफ्राटेक ने किए हैं। इनके छोटे भाई श्रीमान नवीन जी जैन आगरा के मेयर हैं, साथ ही राष्ट्रीय मेयर परिषद के आप अध्यक्ष भी हैं। इतने सारे डायमंड लिए हुए हमारे डायमंड स्तंभ श्रीमान प्रदीप जी जैन PNC, आपका स्वागत है और आपका स्वागत करेंगे श्रीमान राजकुमार जी सेठी, तीर्थ संरक्षणी महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री जी। राजकुमार जी सेठी जी से निवेदन है हमारे अतिथि का स्वागत कराए। हमारे अतिथि हमारे प्रमुख स्तंभ इस योजना के श्री प्रदीप कुमार जी जैन आगरा PNC ग्रुप। राजकुमार जी सेठी महाराज की जय, आचार्य देवनंदी जी महाराज की जय। आज भारत प्रसिद्ध दिगंबर जैन महासभा ने निर्मल ज्ञान योजना के कार्य को अपने उद्घाटन के रूप में शुभारंभ करने जा रही है। उसके बीच में हमें जो सबसे बड़े सहयोग प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान की थी, वो हमारे प्रदीप कुमार ही जैन PNC, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। सारा भारतवर्ष का बच्चा बच्चा उनकी दानवीरता के कारण से उन्हें जानता है। आज मैं महासभा की समस्त पदाधिकारियों की ओर से प्रदीप कुमार जी जैन, उनके छोटे भाई जो हमारे मेयर परिषद के वो है नवीन कुमार जी जैन का, एवं समस्त आगरा के PNC परिवार का आज के इस कार्यक्रम के अंदर में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ, एवं उनके इस सहयोग से और उनके इन आशीर्वाद से हमारी ये दिगंबर जैन समाज का बच्चा बच्चा ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन के अंदर में जिन शासन की सेवा कर सकेगा, इसी कामना के साथ वे दीर्घायु हो, सतायु हो, और महासभा के
सभी कार्यक्रमों में अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं उन्हें बहुत बहुत अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। जी बिल्कुल सही राजकुमार जी, सिटी साहब आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे तो प्रदीप जी जैन साहब पीएनसी ग्रुप रास्ते बनाने का काम करते हैं, पूरे देश में रास्तों का जाल इन्होंने बिछाया है और हमारी इस योजना में पहला रास्ता बनाने का काम भी प्रदीप जी जैन पीएनसी ग्रुप ने किया है। पहले डायमंड स्तंभ के रूप में इन्होंने हमें संबल प्रदान किया, इन्होंने हमें प्रेरणा दी और इस योजना में हमें पूरे जोश के साथ हम आगे बढ़े, जिससे आगे चलकर और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े। आइए हम चलते हैं हमारे दूसरे डायमंड स्तंभ श्री निर्मल जी मोठिया आगरा, जाना माना नाम निर्मल जी मोठिया आगरा। मैं इनका परिचय देने के लिए निवेदन करूंगा हसमुख जी गांधी इंदौर को, कृपया इनका परिचय कराएं। हमारे दूसरे हीरे डायमंड श्रीमान निर्मल जी जैन मोठिया आगरा, प्रसिद्ध उद्योगपति एवं वरिष्ठ समाज सेवी, अनेक ट्रस्टों के ट्रस्टी एवं प्रमुख हैं आप। खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज आगरा के आप अध्यक्ष हैं, दिगंबर जैन परिषद आगरा के आप उपाध्यक्ष हैं, जैन पायल के नाम से प्रसिद्ध उद्योगपति हैं आप आदरणीय मोठिया जी, और बहुत सरल स्वभावी हैं। बहुत शीघ्र ही उन्होंने इसकी अनुमति दे दी और आज हमारे इस निर्मल ज्ञान योजना के प्रमुख डायमंड स्तंभ है ऐसे आदरणीय वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमान निर्मल जी जैन मोठिया जी। निर्मल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस योजना के लिए डायमंड स्तंभ के रूप में अपनी स्वीकृति देकर इस योजना को बहुत बल दिया है, संबल दिया है। निर्मल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और निर्मल जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा शुद्ध संवर्धनी महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष कमल जी बी जैन दिल्ली, आपसे निवेदन है निर्मल जी का स्वागत करें। सबको सादर जय जैन, महावीर भगवान की जय। निर्मल जी का मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा परिचय है, वो बहुत बड़े दानवीर हैं, आगरा शहर में उनका बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत नाम है और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत पुण्यात्मा जीव है जो हमेशा समाज के काम में आगे से आगे बढ़कर सहयोग करते हैं, दान करते हैं। मैं राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष सुर सर्वदनी महासभा की सभी पदाधिकारियों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जय जिनेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी जैन और निर्मल जी मोठिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम चलते हैं हमारे तीसरे डायमंड स्तंभ संजय जी गंगवाल जैन रायपुर। आइए संजय जी गंगवाल जी से निवेदन है, कृपया अपना वीडियो शुरू करें। जी संजय जी गंगवाल जैन रायपुर, इनका परिचय देने के लिए मैं फिर से बुलाऊंगा हसमुख जी गांधी इंदौर, कृपया इनका परिचय करें। हमारे तीसरे डायमंड यानी कि तीसरे हीरे श्रीमान संजय जी रेखा जी गंगवाल रायपुर, प्रसिद्ध उद्योगपति एवं वरिष्ठ समाज सेवी। देखिये जितने पांचों लोग जुड़े हैं, पांचों हमारे टॉप है भारत के रत्न है और नेतृत्व रत्न है, चाहे वो उद्योग में हो चाहे वो समाज में हो, दोनों फील्ड में वो नेतृत्व करने वाले हैं। आदरणीय संजय जी गंगवाल, आरआर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के आप चेयरमैन हैं, आयरन इंडस्ट्री है, अनेक लोह उत्पाद बनाते हैं आप, सरिया एंगल चैनल आदि अनेक उत्पाद आप बनाते हैं जो भारत भर में प्रसिद्ध है और कई जगह इनके कार्यालय है, हमारे इंदौर में भी आपका एक कार्यालय है। स्टील एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के आप उपाध्यक्ष हैं, जैन सोशल ग्रुप के अनेक वर्षों तक आप अध्यक्ष रहे हैं, हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा के आदरणीय निर्मल जी श्रेष्ठी बाबू जी के आप जमाई बाबू हैं, ऐसे श्रीमान संजय जी रेखा जी गंगवाल जो हमारे डायमंड स्तंभ है उनका शानदार परिचय के साथ स्वागत अभिनंदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद हसमुख जी। आइए इनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाऊंगा अशोक जी सेठी बैंगलोर, हमारे इस समिति के निर्मल ज्ञान योजना के कार्यकारिणी समिति के मेंबर अशोक जी सेठी बैंगलोर। हाँ अशोक जी वहां से फोन अनम्यूट कर ले अपना, अनम्यूट बटन। हाँ जी हाँ चालू हो गया। सबको जय जी नैन। संजय जी आज आप निर्मल ज्ञान योजना में
इस कार्यक्रम में आप पधारे, आपने भाग लिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस योजना में आप डायमंड स्तंभ बनकर हम लोगों को आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आगे भी आप इसी तरह इस योजना के लिए सहयोग देते रहें, इसी मंगल भावना के साथ जय जी। मैं आप सभी को संजय जी गंगवाल इनकी शिक्षा के प्रति, समाज के बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत ही उत्कट भावना है, और वो अपने और भी कोई सुझाव है जो आने उनके विचार में व्यक्त करेंगे, और आगे भी उनकी कई योजना है, हम उसे जरूर सुनेंगे। आइए चलते हैं हमारे चौथे स्तंभ, देश का जाना माना नाम पाटनी कंप्यूटर के चेयरमैन श्री गजेंद्र जी पाटनी मुंबई पे उनके किसी शारीरिक समस्या के कारण हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनकी भांजी निशी जी खोलिया चेन्नई हमारे बीच है उनके प्रतिनिधि के रूप में, निशी जी खोलिया। और मैं चाहूंगा हसमुख जी गांधी जी से निवेदन है, आप हमारे चौथे डायमंड स्तंभ का परिचय कराएं। आइए, चौथे डायमंड श्रीमान गजेंद्र जी पाटनी मुंबई, प्रसिद्ध उद्योगपति, वरिष्ठ समाज सेवी, शिक्षाविद, अनेक विभूतियों, अनेक गुणों के धनी श्रीमान गजेंद्र जी पाटनी, उन्हें कौन नहीं जानता। भारत में एक बड़ा नाम है जैन समाज में भी और उद्योग जगत में भी। पाटनी कंप्यूटर्स लिमिटेड के आप चेयरमैन हैं, किशनगढ़ में आपने स्कूल खोला है और वहां पर एजुकेशन और हेल्थ के अनेक काम आप वहां पर करते हैं। जीतो जो भारत की सबसे बड़ी आज की तारीख में बड़ी संस्था है, जिसका 1,000 करोड़ रुपए तो कॉर्पस है, उसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ है आदरणीय गजेंद्र जी पाटनी को। यह हम सब के लिए भी बड़ा गौरव है कि जीतो जैसी राष्ट्रीय बड़ी संस्था के पहले अध्यक्ष यदि कोई थे तो गजेंद्र जी पाटनी। साथ ही श्रवण बेलगोला में पंच कल्याण के अध्यक्ष आदरणीय कमल जी ठोलिया थे, उसका दीप प्रज्वलन भी आदरणीय गजेंद्र जी पाटनी के कर कमलों से हुआ है। आज गजेंद्र जी पाटनी किन्हीं कारणों से यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं, लेकिन उनकी भांजी श्रीमती निशी कमल जी ठोलिया यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कमल जी ठोलिया ने इस हमारी योजना में बड़ा सहयोग किया है, अनेक दानदाताओं को जोड़ा है, आदरणीय कमल गजेंद्र जी पाटनी को भी उन्होंने जोड़ा है, तो आदरणीय पाटनी परिवार और ठोलिया परिवार दोनों का परिचय देते हुए मैं अपना आपको गौरवान्वित महसूस करता हूँ। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे डायमंड स्तंभ का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा विवेक जी बेनेड़ा आगरा, जो भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। विवेक जी जैन बेनेड़ा, विवेक जी जैन साहब, आपका सहयोग जो हमें मिला है और मार्गदर्शन हमें बीच बीच में भी जब हमने प्रोग्राम अपना पूरा फॉर्मुलेट किया है, आप हमारे साथ तब भी जुड़े रहे हैं, और आपका हमें जो मार्गदर्शन मिला है और जो सहयोग मिला है इतने बड़े परिवार से, पाटनी कंप्यूटर से, और आपके सहयोग से हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं महासभा की तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें आगे भी आपसे और मार्गदर्शन मिलता रहेगा और सहयोग आपके इतने मिलने जुलने वाले हैं उन सबके थ्रू भी हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी ठोलिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पाटनी कंप्यूटर गजेंद्र जी पाटनी को इस योजना से जोड़ा है, जिस वजह से इस योजना में एक ताकत, एक हौसला निर्माण हुआ है। कमल जी ने इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को इस योजना से जोड़ा है। कमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलेंगे हमारे अगले स्तंभ की, और उससे पहले मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगा हमारे समाज के हीरे और देश के पूर्व राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री प्रदीप जी जैन आदित्य, जो हमारे बीच पधार चुके हैं। प्रदीप जी जैन आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाज के लिए हमेशा हर कार्य के लिए तत्पर रहने वाले प्रदीप जी जैन आदित्य, साकार की प्रेरणा, साकार प्रेरक का डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल पूना हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। महासभा के गुजरात प्रांत के अध्यक्ष दिलीप जी पांड्या हमारे बीच है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्र गौरव इंदु जी जैन हमारे बीच पधार चुकी है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है।
हमारे बाबूजी, हमारे प्रेरणा स्थान परम पूज्य निर्मल कुमार जी सेठी हमारे बीच आ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा महाराष्ट्र प्रांत के महासभा के अध्यक्ष एवं जीएसटी कमिश्नर सुमेर कुमार जी काले साहब हमारे बीच है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कर्नाटक प्रांत के अध्यक्ष विनोद जी दोड्डनवर, जिन्होंने महामस्तकाभिषेक में प्रमुख भूमिका निभाई है, विनोद जी दोड्डनवर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए हम चलते हैं, हमारे और भी कई सारे लोग हैं जिनका परिचय मैं आपको करा के दूंगा। आइए हम चलते हैं हमारे पांचवें स्तंभ पूर्वांचल की शान, बाबूलाल जी काला, विजयनगर आसाम, और इनका परिचय करने के लिए मैं हसमुख जी गांधी जी से निवेदन करूंगा, कृपया इनका परिचय कराएं। समस्त राष्ट्रीय हस्तियों के स्वागत और अभिनंदन के साथ अब हमारे पांचवे डायमंड भारत के हीरो हीरे श्रीमान बाबूलाल जी काला, विजयनगर, गुवाहाटी, आसाम, प्रसिद्ध उद्योगपति एवं वरिष्ठ समाज सेवी। विजयनगर जैन पंचायत के वर्षों तक आप मंत्री रहे, गुवाहाटी जैन समाज के आप ट्रस्टी हैं, भारतवर्षी दिगंबर जैन महासभा के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आपने अनेक सामाजिक, धार्मिक और अनेक क्षेत्रों में बड़े काम किए हैं। कैंसर केयर ट्रस्ट और फुटबॉल अकादमी के लिए राज्य शासन को आपने जमीन उपलब्ध कराई है, ये बहुत बड़ा काम है, ये बड़े हमारे जैन समाज के लिए गौरव की बात है कि आज शासन को आपने भूमि उपलब्ध कराई और ऐसे दो बड़े काम, कैंसर केयर ट्रस्ट और फुटबॉल अकादमी का आपने स्थापना करवाई, हजारों बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, ये कितना बड़ा काम है। मतलब जो हम आज शिक्षा योजना लेके आ रहे हैं वो उनके लिए छोटी योजना है, उन्होंने तो हजारों युवकों को क्या नाम है रोजगार दिलाया, और आज हमारी इस बड़ी अहम योजना के लिए डायमंड स्तंभ बने हैं। आधा विजयनगर आपने बसाया ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि रियल इस्टेट व्यवसाय के आप आसाम में किंग माने जाते हैं। ऐसे किंग बाबूलाल जी काला विजयनगर का स्वागत अभिनंदन इस वृहद परिचय के साथ, पुनः आपका स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद हसमुख जी, और मैं डॉक्टर रमा जैन, जो भारत वर्षीय सूत संवर्धनी महासभा की ट्रेजरर है, कोषाध्यक्ष है, डॉक्टर रमा जी जैन, इनसे निवेदन करूंगा वह हमें हमारे बाबूलाल जी काला का स्वागत करे। डॉक्टर रमा जी जैन। आदरणीय सभी महानुभावों को मेरी तरफ से जय जिनेन्द्र। आदरणीय बाबूलाल जी के लिए संदर्भ में जब लास्ट मीटिंग हुई थी उनके विषय में जो बताया गया है और उनके पुत्र ने जो ख्याति प्राप्त की है और जो जैन समाज के लिए एक स्तंभ का कार्य किया है, उसके लिए साधुवाद अभिनंदन आपका। और जिस तरह से आपने निर्मल ज्ञान प्रकाश योजना में सहायता की है, आशा है आज आगे भी हमारे इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहेंगे और हमें सहायता प्रदान करते रहेंगे, साथ ही आपके अपने जो लिंक हैं उनको भी प्रेरित करेंगे कि निर्मल ज्ञान योजना से जुड़ें और इसको आगे बढ़ाएं, और निरंतर निर्मल ज्ञान योजना इसी तरीके से निर्विघ्न चलती रहे, और जितने भी हमारे बच्चे हैं जो कि शिक्षा के जो धन के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, वो आप जैसे दानी पुरुषों के दान से वो शिक्षा को प्राप्त करें और हमारे जैन समाज की पताका को देश में और विदेश में निरंतर फैलाते रहें। आपका अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। जी रमा जी, जी, जी मैं एक चार लाइन से ये परिचय को पूर्ण करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सफर हमारा बहुत लंबा चलने वाला है और ये जो हमारे पांच स्तंभ है इनका भी सफर बड़ा पुराना होते हुए आगे बहुत लंबा चलेगा, और समाज सेवा के नाम पर इनका जो जज्बा है वो कायम रहेगा, तो ना थके कभी पैर। परिवर्तन का जिंदगी में इसीलिए सफर जारी, इसीलिए सफर जारी, इन्हीं पांच स्तंभों का सफर ऐसा जारी रहे और हमारी ये निर्मल ज्ञान योजना का सफर अनेक वर्षों तक जारी रहे, इसके साथ इन पांचों विभूतियों का पुनः स्वागत अभिनंदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी डायमंड स्तंभों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके ही प्रेरणा से, आपके ही संबल से, आपके ही सपोर्ट से यह योजना आगे भी निरंतर जारी रहेगी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच पधार चुके हैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के चांसलर सुरेश जी जैन लोहाड़िया, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और भी
कई सारे व्यक्ति सम्मान्य पदाधिकारी हमारे बीच है जिनका मैं आपको समय समय पर परिचय करा के दूंगा। आइए हम चलते हैं इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर, जो हमारे डायमंड स्तंभ है, उन सभी लोगों का मनोगत हम सुनेंगे। उससे पूर्व मैं आप सभी को परिचय करा दूंगा। जैन गजट को अपने कंधे पर लेकर चलने वाले, पूरी घुरा संभालने वाले सुदेश जी जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुदेश जी जैन लखनऊ। आइए चलते हैं हमारे पहले डायमंड स्तंभ, प्रदीप जी जैन, पीएनसी ग्रुप आगरा, अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। प्रदीप जी जैन, पीएनसी ग्रुप। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाबूजी निर्मल कुमार जी, आदरणीय जमनालाल जी, आदरणीय बाबूजी सौभाग्यमल जी कटारिया साहब, मेरे प्रिय भाई और मित्र श्री अनिल जी सेठी साहब, श्री राजकुमार जी सेठी साहब, श्री मुरादाबाद के शान कहे जाने वाले हमारे जैन समाज में शिक्षा के क्षेत्र का बहुत बड़ा आयाम स्थापित करने वाले हमारे मेरे प्रिय मित्र श्री सुरेश जी और हमारे भारत में पूरे देश का नाम रोशन करने वाले केंद्रीय मंत्री रहे आदित्य, इन्होंने हमारे धर्म किया है और हम बार बार इनको इनको भूलते तो नहीं है, लेकिन इनके एक बहुत बड़े कार्य को हम भूल जाते हैं कि अल्पसंख्यक कराने का जो इन्होंने महान कार्य करके दिया वो कोई करा नहीं सकता था। इस बात को हमें हमारे जैन समाज को हमेशा इनका ऋणी रहना चाहिए। दूसरे हमारे जितने भी अभी डायमंड स्तंभ है उन सबका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान की बात है, निर्मल ज्ञान योजना का शुभारंभ है और सब लोग ज्ञान के दान से जुड़े हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जितने लोग समर्थन कर रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं ज्ञान दान के कार्य की और इस कार्यक्रम की, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे निर्मल मोठिया जो डायमंड स्तंभ है वो तो हमारे आगरे के ही स्तंभ हैं, आगरे के ही हैं, उनका बहुत बड़ा पायल का काम है। और हमारे गजेंद्र जी पाटनी साहब जो पाटनी कंप्यूटर के हैं, आजकल बंबई में हैं, लेकिन वो भी ओरिजिनली आगरा के ही हैं। तो तीन डायमंड स्तंभ हमें खुशी है इस बात की कि हमारे आगरा के ही हैं। दूसरा, पता नहीं कैसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं, महासभा ने महासभा के पदाधिकारियों के मन में किस प्रकार से ये बात आई कि ज्ञान दान के कार्य को हाथ में लेना चाहिए। एक महान कार्य जो कि अभी तक किसी भी संस्था द्वारा, भारतवर्ष की किसी भी संस्था द्वारा इस कार्य को हाथ में नहीं लिया गया। इतनी संस्थाएं हैं, इतना कार्य कर रही हैं, लेकिन ज्ञान दान पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे जब जमुना लाल जी का फोन मेरे पास आया कि हमें ज्ञान दान योजना शुरू करनी है, निर्मल ज्ञान योजना का कार्य शुरू करना है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जमुना लाल जी का, उनके सभी साथ के पदाधिकारियों का, आदरणीय श्री निर्मल जी सेठी साहब का, कि उन्होंने इतनी बढ़िया, इतनी बड़ी योजना, इतनी महत्वपूर्ण बात शुरू करी जैन समाज में। ये बहुत बड़ी बधाई की पात्र हैं और शुभकामनाओं के पात्र हैं। उसके साथ साथ मैं कोरोना को भी शुभकामना देना चाहूंगा कि इस कोरोना ने ये कार्य करा दिया। हमारे जमुना लाल जी कोरोना काल में इतनी सक्रिय रहे, मैंने जीवन में इतना सक्रिय किसी कार्य में, व्यापार में भी बहुत सक्रिय रहते हैं, लेकिन इस कोरोना काल में सहायता देने में इतने सक्रिय रहे। इनका मिनट मिनट में मेरे पास फोन आता था कि साहब वहां सहायता, वहां सहायता, उधर आप देख लो, इधर का आप कर लो,
और फिर अचानक एक दिन ज्ञान योजना लेके आ गए। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने ज्ञान योजना के कार्य को स्थापित कर दिया भारत की संस्थाओं में करने के लिए। भारत की और अन्य संस्थाओं को ये सोचना पड़ेगा कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हम अपने धार्मिक सधार अपने धार्मिक भाई बंधु को अगर उसको जरूरत है, जरूरतमंद है, तो हम उसकी मदद करें। एक बार एक कभी मैं लेटर देख रहा था, कल मेरे पास आया था ज्ञान निर्मल ज्ञान योजना का, उसमें निर्मल निर्बल वर्ग का प्रयोग, कमजोर वर्ग का प्रयोग किया, कमजोर वर्ग की सहायता। भाई साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कमजोर वो नहीं है, कमजोर हम हैं जो हम अपने भाई की मदद नहीं कर पा रहे हैं, हम कमजोर हैं, वो कमजोर नहीं है। हमारा बड़ा भारी कर्तव्य है इस बात का कि हम अपने भाई की मदद ज्ञान में तो अवश्य करें, क्योंकि ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। जिसने ज्ञान दान दिया निश्चित रूप से उसे अगले भवों में ज्ञान मिलेगा। जिस चीज का आप दान करेंगे उस चीज का ही आपको अगले भव में मिलेगा। तो ज्ञान दान किया तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तो मनुष्य भव आपका सुनिश्चित हो गया, क्योंकि ज्ञान तो मनुष्य को ही होता है और किसी भव में ज्ञान होता ही नहीं है। तो आपने अपने लिए ज्ञान दान देकर अपने लिए मनुष्य भव भी सुनिश्चित कर लिया। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई है सभी पदाधिकारियों को। इस कार्य को खूब मेहनत के साथ करें और दान देने की दान लेने की कोई परवाह ना करें। इस कार्य में दान देने वाले पूरे भारतवर्ष में इतने लोग मिलेंगे कि आपको हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं अपनी तरफ से, ये कार्य बहुत आगे बढ़े ऐसी मेरी भावना है। धन्यवाद जी। प्रदीप जी आपने बिल्कुल सही कहा, पढ़ेगा समाज तो बढ़ेगा समाज। पढ़ना शिक्षा आदमी के जीवन में बेहद जरूरी होती है, और इस योजना के ज्ञान देने का जो योजना आज शुरू की गई है, इससे समाज को एक बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। आइए चलते हैं हमारे दूसरे स्तंभ, हमारे आज के दूसरे डायमंड स्तंभ, निर्मल जी मोठिया। आइए उनका मनोगत हम सुनते हैं। निर्मल जी मोठिया। वहां से फोन अनम्यूट कर ले। हेलो। हाँ ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है। हेलो, आ रही है, आ रही है, आ रही है। सभी लोगों को जय जिनेन। मैं तो एक जो निर्मल ज्ञान योजना आदरणीय श्री निर्मल कुमार सेठी ने जो हमको प्रेरणा दी, उसके अंतर्गत यह कार्यक्रम चालू किया गया, उसके लिए हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से हमारा हमको सबको हिम्मत ताकत देते रहे, हम ये कार्य कर सकें। श्री सौभागमल जी श्री जमुना लाल जी, हसमुख लाल जी, ललित जी, विवेक जी, श्री बीरन जी, कमल जी और श्री अशोक जी सेठी, जो इन लोगों ने कार्य किया, मैंने देखा आज मीटिंग, कल मीटिंग, रोज मीटिंग, आज हमको ये करना है। मैं तो देखता रह गया, भाई जी कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक इसी कार्य में लगे रहना। मैं इनके बारे में क्या कहूँ, मुझ तो आश्चर्य रात को भी सोचता था ये लोग इतनी मेहनत करते, हमने क्या किया, हमने तो सिर्फ दिया, इन्होंने किया। हमने तो एक मिनट में दे दिया, लेकिन इन्होंने रात दिन करके उसको किया। तो इनके कार्य की मैं किस रूप में सराहना करूं। मैं तो इन लोगों को, श्री जमुना लाल जी के फोन आते थे, आप मीटिंग अटेंड करिए, आप ये करिए वो करिए। जमुना लाल जी जैसा व्यक्ति शायद हिंदुस्तान में दिन ढूंढने से नहीं मिलेगा, जो छह छह हजार आदमी को खाना खिलाता हो, इतना दान देता हो। इनका समर्पण भाव, मिर्दवासी, मैं तो इनको 25-30 साल से जानता हूं, इन जैसा व्यक्ति भी होना हिंदुस्तान में हमें गौरवान्वित अनुभव करवाता है। तो मैं इन लोगों को और हमारे श्री प्रदीप जी पीएनसी, ये हमारे प्रेरणा है, जो डायमंड है आगरे के, हम तो इन्हीं लोगों से सीखते हैं। इन जैसा मधुभाषी व्यक्ति
हमेशा साथ हर व्यक्ति के साथ में चल, मैंने तो कभी इनको क्रोध में देखा ही नहीं। हम तो इन लोगों के, आप इन लोगों के, आप क्या कहूं मैं इनके बारे में, ज्यादा कहना कोई चीज शब्द ही नहीं है मेरे पास। तो हमारे पास इतने लोग जुड़े हुए हैं, और जो पांच डायमंड स्तंभ हैं, इन लोगों के, सब लोगों ने जो कार्य किया है, मैं इनकी बहुत बहुत भूत भूत प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। इसी तरह से हम आपस में पूरे हिंदुस्तान के लोग, जैन समाज, आगे बढ़ के कार्य करता रहे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो गरीब हैं, बहुत से लोग शुरुआत से ही पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आपने सीए करवा दिया, बी करवाया, लेकिन जो शुरू से बहुत गरीब लोग हैं, उनके लिए भी हमें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहिए। इनको लोगों को, मतलब शुरू से अगर पढ़ेंगे नहीं तो सीए के लिए कैसे आगे आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन लोगों के लिए भी कोई इंतजाम किया चाहिए। और जो प्रदीप जी हमारे भूतपूर्व MP, इन्होंने भी हमारे जैन समाज के लिए बहुत कार्य किया, और हमको तो हमेशा इनको साथ लेके चलना ही है। ये हमारी बातों को पूरे देश में पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं। हम इनकी भूत भूत प्रशंसा करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, और हमारे द्वारा कोई भी कार्य होगा आप हमसे कहेंगे, हम हमेशा तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी मोटे। आपने बिल्कुल सही कहा है, प्रदीप जी जैन आदित्य ने जो समाज के लिए काम किया है, जो योजना माइनॉरिटी का स्टेटस जो समाज को दिला के दिया है, उससे आज हजारों बच्चे उस योजना के अंतर्गत घर बैठे कम खर्चे में उनको लाभ मिल रहा है, और जिसके वजह से समाज को बहुत बड़ा, मैं तो समझता हूँ कि निर्मल ज्ञान योजना की तरह वो माइनॉरिटी की योजना उससे भी ज़्यादा बड़े रूप में समाज को मदद कर रही है। प्रदीप जी जैन आदित्य का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने हमेशा समाज के लिए काम किया है। और आपने जो अभी कहा कि आपने एक मिनट में दिया और हमने एक साल तक मेहनत की, मैं बताऊंगा कि एक मिनट की प्रेरणा और एक मिनट का आशीर्वाद आदमी के पूरे जीवन को तार देता है। आपका एक मिनट का दिया हुआ हमारे एक साल से भी ज़्यादा है, और उसी प्रेरणा से आज हम इस तेज तरीके से इस योजना को अंजाम दे पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम चलते हैं हमारे तीसरे स्तंभ, संजय जी गंगवाल रायपुर अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। सर जय जी ने महासभा द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई हेतु यह निर्मल ज्ञान योजना समाज के लिए एक बहुयामी योजना साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। देश के उच्च पदों पर जैन समाज के बच्चों की पहुंच हो, इस आशा के साथ हम इस योजना का भरपूर सहयोग करें, ऐसी मेरी समाज से विनती है। और मेरा ये कहना है, जैसे आज बच्चे बड़े शहरों में जाके पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उनको व्यवस्था नहीं मिलती तो वो नहीं जा पाते। तो हमारे समाज की कई जगह जैसे धर्मशालाएं हैं और हैं, तो हम वहाँ की समाज से बात करके 2 रूम, 4 रूम, 5 रूम या 8 रूम, 10 रूम हम ऐसा उनसे एक्वायर करवाएं जो हमारे बच्चे छात्रावास के रूप में उसको हम रखें, और बच्चे हमारे जाएं, वहाँ रहने की व्यवस्था हो जाए तो बच्चे अपने आप पढ़ लेंगे, और थोड़ी बहुत सहायता हम समाज के रूप, हर जगह की समाज से थोड़ी सहायता उनसे लें तो एक बहुत अच्छा काम होगा, ये मेरा ऐसा सोचना है। धन्यवाद जी। संजय जी आपने बिल्कुल सही कहा है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, पढ़ेगा समाज तो बढ़ेगा समाज, समाज को शिक्षा देना बेहद जरूरी है। आइए चलते हैं हमारे चौथे स्तंभ, गजेंद्र जी पाटनी यानी उनकी भांजी निशा जी मोठिया चेन्नई की ओर, जो उनका मनोगत उनके विचार व्यक्त करेंगे। कमल जी आप भी गजेंद्र जी के माध्यम से उनके विचार रख सकते हो। कमल जी ठोलिया, हाँ फोन अनम्यूट कर ले वासे, फोन अनम्यूट कर ले वासे। कमल जी से निवेदन है, हाँ बोलिए, चालू है, बोलो इनके बारे में बोलो। जय जिनेंद्र आप सभी को। पहले वो तो ये भांजी भांजी नहीं है, भतीजी है, भतीजी, माफी चाहूंगा, भतीजी है, और गजेंद्र जी पाटनी जी की सगी भतीजी है निशा जी, फोलिया चेन्नई।
हम उनसे जानेंगे राजेंद्र जी पाटनी जी के विचार। आइए मैं क्या बोलूं उनके लिए, ही इज हाईली वेरी वेरी सोया, ही इज अ वेरी साइलेंट वर्कर, ही डजंट टॉक मच, ही डज थिंग एंड कीप क्वाइट एंड देयर लॉट ऑफ चैरिटीज ही इज डूइंग, ही इज हैविंग, हम लोग के वी आर फ्रॉम एक्चुअली मेरिट, तो वहां पे ये आयुर्वेद ये होम्योपैथ की बहुत सारी जयपुर में किशनगढ़ में और बहुत जगह पे फ्री दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर वगैरह बैठे हुए हैं और स्कूल चलाते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट, वी डोंट नो द रीजन ऑफ, आई थिंक दैट्स नो। हां निशी जी ठोलिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ आइए चलते हैं हमारे अगले स्तंभ बाबूलाल जी काला। I told you you have to tell something. I kept it bunged here. I don't know me who will know. They don't know. You only know, no? I don't know about him. You have written four lines of him, no? Yeah. His family is like this. This is like this. क्या बोलते हैं उनकी फैमिली के लिए अच्छा का? जय जिनेन। जय जिनेन। जय जिनेन। आवाज आ रही है? बोलिए आवाज आ रही है आपकी? हेलो जय जिनेन। जय जिनेन्द्र आपकी आवाज आ रही है बोलिए। जय जिनेन। निर्मल ज्ञान योजना के अंतर्गत मुझे डायमंड स्तंभ बनाया, इसके लिए मैं विशेष कर हम जमुनालाल जी अपा बताया कि मुझे 15-20 साल परिचित था, उन्होंने मुझे बहुत ये किया, हम ठीक है आप जब कहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ऐसे मेरे निर्मल जी सेठी और राजकुमार सेठी तो मेरा क्लास फ्रेंड था, एक साथ में पढ़ते थे हम, उसने भी मुझे बहुत बार कहा कि तुम इस काम में आगे आ जाओ, तो मैं इसी सोच के हिसाब से मैं इस विशेषकर जमुनालाल जी के प्रेरणा से उनकी उन्होंने मुझे कुछ समझाया किया तो मैं उनके लिए इस डायमंड योजना के लिए मैं तैयार हो गया और सभी को यही कहूँगा मेरा जय जी ने। बाबूलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस योजना में डायमंड स्तंभ बनकर इस योजना को एक गति प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले चरण की ओर। हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ, इस योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं, इसके बीच हमारे बीच और कोई और सम्मान्य पदाधिकारी हमारे बीच पधार चुके हैं, सुंदरलाल जी डागरिया जो शुद्ध संवर्धनी महासभा राजस्थान के अध्यक्ष है। सुंदरलाल जी डागरिया आप हमारे बीच है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुंदरलाल जी डागरिया आइए हम चलते हैं हमारे मुख्य अतिथि की ओर, हमारे इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि सौभाग्यमल जी कटारिया जो आज इस कार्यक्रम इस योजना के लोगों का यानी उसके माध्यम से ऑनलाइन इस योजना का शुभारंभ करेंगे। मैं सौभाग्यमल जी कटारिया जी से निवेदन करूंगा वो वहां से ऑनलाइन इस योजना का शुभारंभ करें। सौभाग्यमल जी कटारिया अहमदाबाद। आज के आयोजन के उपस्थित महानुभाव से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। ये भारतवर्षीय दिगंबर जैन तूर्त संबंधी महासभा द्वारा एक बहुत ही सुंदर आयोजन जिसके माध्यम से जैन समाज को जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा का जो उद्देश्य मिलेगा उस निर्मल ज्ञान योजना का मैं विधिवत उद्घाटन करता हूँ। इसकी बहुत मुझे खुशी है और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि निर्मल जी साहब जमुनालाल जी हापावत के उनके मार्गदर्शन में इस योजना को बहुत ही आगे ले जाए और इसकी सफलता के लिए मैं पूर्ण पूर्ण आशीर्वाद देता हूँ तथा इच्छा रखता हूँ। धन्यवाद। और ज्ञान का धर्म और ज्ञान का और ये शिक्षा का जो बहुत बड़ा आयोजन है और ये सबसे जरूरत वाला आयोजन है और इसकी बहुत ही महत्व अपने आवश्यकता थी और इसका बहुत बहुत विधिवत उद्घाटन और इस प्रकार का आयोजन
बहुत ही उसका मैं शुभारंभ के लिए बहुत ही आप लोगों का आभारी और शुभारंभ करता हूँ, धन्यवाद। सौभाग्यमल जी कटारे जी से निवेदन है, मोबाइल को उस लिंक जो आपको दी गई है उसे क्लिक करें और उस लोगों का उद्घाटन करें, उस माध्यम से ऑनलाइन उद्घाटन होगा इस योजना का। वो लिंक से इसमें कैसे जॉइंट होगा? सिर्फ लिंक दबाइए, आप अपने आप हो जाएगा, लिंक दबा दीजिए, बस लिंक दबाइए और सामने दिखा दीजिए कैमरे पे। ये लिंक ये हो गया, हो रहा है इधर ज्ञान प्रकाश। हाँ पड़ेगा साधन में तो बढ़ेगा रंग। बहुत बहुत धन्यवाद सौभाग्यमल जी, आपने इस बहुत बड़ी योजना की नींव रखी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कार्यक्रम के अगले पादन में हम देखेंगे, इस योजना के बारे में जानकारी लेंगे, क्या यह योजना है, क्या इसकी विशेषता है और कैसे इसका फायदा हम सभी को मिलने वाला है। उससे पूर्व हमें आज और एक सहयोग प्रदान हुआ है, आज एक उद्घाटन हमारे सामने है, इसके साथ साथ और एक उद्घाटन हमें बोनस के रूप में मिल रहा है। निमियाघाट माता जी के सानिध्य में एक भव्य मानस स्तंभ का उद्घाटन हो रहा है, उसका शिलान्यास समारोह चल रहा है। दो मिनट में माता जी हमें इस योजना में भी आशीर्वाद प्रदान करेंगी और उस कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी देगी। निमिया घाट यह वो जगह है जहाँ पर हम फेरी मारते हैं, वहां पर एक भव्य मानस स्तंभ का निर्माण होने जा रहा है। मैं माता जी से निवेदन करूंगा कृपया हमें इस योजना के लिए आशीर्वाद प्रदान करें, साथ ही साथ इस वहां पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी भी जानकारी हम सभी को दे। वहां से कोई फोन अनम्यूट करें और मैं वहां निवेदन करूंगा कि माइक में बोलने की अपेक्षा सीधा मोबाइल में बोले, माइक का आवाज नहीं आएगा। बोले बाकी लोग शांत रहे और माता जी बोले, मोबाइल सामने रखे। हाँ हो गया, मोबाइल सामने रखे माता जी के, माइक से आवाज नहीं आएगी। चलिए यहाँ पर नहीं आएगा पूरा, आ रही बोलिए, आ रही। सुंदर कार्य करने जा रहे हैं महासभा, जो गरीब अनाथ बच्चे हैं, जो अपनी पढ़ाई खुद नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, उनकी शिक्षा की व्यवस्था का जो बीड़ा उठाया है महासभा ने, बहुत ही अनुकरणीय है और हम इस कार्य की सराहना करते हैं। आप सब के लिए बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है कि आप सब ने मिलकर के ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है और ये बीड़ा सिर्फ महासभा का ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश की समाज का है। यदि सारी समाज सहयोग करेगी तो निश्चित है कि ये कार्य बहुत ही प्रगति में, और जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं वो सभी बच्चे शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे और देश का विकास कर सकेंगे। यहाँ पर निमिया घाट जो कि शिखर जी की तलहटी में स्थित परिक्रमा में जो आता है, जहाँ पर चतुर्थकालीन प्रतिमा भूगर्भ से प्राप्त और मनोकामना पूर्ण करने वाली
आत्मा जहाँ पर विराजमान है वहाँ पर भव्य शिलान्यास का कार्यक्रम आज होने जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही विशाल मंदिर का निर्माण भी चल रहा है और यहाँ पर मानस स्तंभ के शिलान्यास की विधि अभी चालू है। हमारे शिलान्यासकर्ता श्रीमान श्री दीप कुमार जी प्रेम जी पांड्या कोडरमा निवासी झारखंड जिन्होंने इस कार्य का कार्यभार को संभाला है उनके पूरे परिवार के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है क्योंकि ऐसी शायद वहां से हमारा संपर्क टूट चुका है। आइए माता जी का आशीर्वाद हमें इस योजना के लिए मिला है और वहां पर भी एक शानदार कार्यक्रम का आगाज हो रहा है जिसका देखने का लाभ भी हमें आज सभी को मिला है। आइए चलते हैं हम कार्यक्रम के अगले पादान की ओर। इस कार्यक्रम की जो वर्किंग कमिटी है इस कमिटी की जानकारी मैं पहले आप सभी को दे दूं और फिर हम इस कार्यक्रम की जो जानकारी है विस्तृत इस योजना की विस्तृत जानकारी हम सभी समझेंगे। इस कार्यक्रम के लिए जो एक कमिटी बनाई गई है श्रुत संवर्धनी महासभा के माध्यम से भारतवर्षीय दिगंबर जैन सुख संवर्धनी महासभा के तत्वावधान में कमिटी का निर्माण किया गया है। इस कमिटी में प्रधान मार्गदर्शक के रूप में हमारे प्रेरणा स्थान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जी सेठी रहेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम इस योजना के सीईओ श्री जमनालाल जी हपावत मुंबई रहेंगे। इसके अलावा जो कार्यकारी परिषद बनाई गई है जिसमें विवेक जी बेनड़ा राजकुमार जी सेठी कमल बी जैन पारस लोहाड़े सुंदरलाल जी डागरिया के जैन साहब उदयपुर हसमुख जी गांधी इंदौर अशोक जी सेठी बैंगलोर सीए वीरेंद्र जी जैन मुंबई कमल जी ठोलिया चेन्नई ललित जी अजमेरा विजयनगर आसाम कीर्ति जी जैन मुंबई और महिला प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर रमा जी जैन दिल्ली और ज्योति जी पाटनी नागपुर इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आइए हम चलते हैं वीरेंद्र जी जैन की ओर जो हमें इस कार्यक्रम की जानकारी प्रदान करेंगे। वीरेंद्र जी जैन आपसे निवेदन है कृपया सभी को इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दें। बोलिए श्री एक हजार आठ आदिनाथ भगवान की जय। यहाँ आए समाज के सभी गणमान्य सदस्यों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। बढ़ेगा समाज तो बढ़ेगा समाज ऐसी ये निर्मल ज्ञान योजना का आज भव्य शुभारंभ हुआ है। आदरणीय श्री निर्मल जी सेठी साहब हमारे आचार्य आर्यकों और सभी की प्रेरणा और आशीर्वाद से इस भव्य योजना का आज शुभारंभ हुआ है। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस योजना के बारे में यह योजना का मुख्य उद्देश्य दिगंबर जैन समाज के विद्यार्थियों को आर्थिक मदद देकर आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करना उनके उज्जवल भविष्य के लिए सहयोग प्रदान करना है। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन श्रुत संवर्धनी महासभा ने पहल कर आशान शैक्षणिक सहायता योजना प्रारंभ की है जिससे समाज के मेधावी छात्रों को आर्थिक समस्याओं के कारण जो अपनी शिक्षा को लेकर उनको कोई समझौता ना करना पड़े उसके लिए ये योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के लिए क्या एलिजिबिलिटी है पात्रता है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। यह योजना के जो एप्लीकेशन करने वाले हैं वो आवेदक को दिगंबर जैन परंपरा के पालन करने वाले होने चाहिए। उनकी आयु अधिकतम 30 साल तक होनी चाहिए, 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आवेदक जो है वो बोर्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिनिमम 60% मार्क्स उनके होने चाहिए। 60% से ऊपर के मार्क्स जिनके हैं उनको इस योजना की पात्रता है। इसके अलावा वो आवेदक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन व्यवसायिक कार्यक्रम
पाठ्यक्रम सिविल परीक्षा उनकी एंट्रेंस में उनकी उनके एंट्रेंस में प्रवेश मिल गया हो, ये उनकी एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा उसके आवेदक के परिवार की सालाना आय 6 लाख से नीचे की होनी चाहिए, ये एक हमने बेसिक पात्रता रखी है। अभी इस योजना में 2020-2021 के सत्र में पहले हम ये योजना 2 पाठ्यक्रम से स्टार्ट कर रहे हैं, एक CA का और एक BE का। इसके अलावा एक तीसरा पाठ्यक्रम जुडिशरी कोर्स LLB और LLM, तीन चीज़ें हैं, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए और एक वकील बनने के लिए, तीन चीज़ें इस योजना में स्टार्ट करने का अभी अपना आयोजन है। CA के लिए पहले एंट्रेंस IPCC के लिए, वो CPT पास करने के बाद में वो IPCC जब ज्वाइन करता है तो उनको 15,000 रुपया अपने योजना के अंदर रखा है, और फाइनल CA के लिए भी वापस 15,000 रुपया का अपन प्रस्तावना रखा है। इसके अलावा इंजीनियरिंग के लिए 25,000 रुपया पर ईयर का प्रस्ताव रखा है, और जुडिशरी कोर्सेज LLB LLM में भी 15,000 रुपया पर ईयर का रखा है। आगामी इस योजना के प्रस्तावित कार्यक्रम जिसमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, IITZ, नीट, CAT और PhD के लिए, और इसके अलावा जैन पुरातत्व शिक्षा और कई योजनाओं के भी प्रस्तावित कार्यक्रम हैं जो इस योजना में, जैसे जैसे इस योजना का आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस योजना में आते रहेंगे। आज मैं दिगंबर, आज डायमंड स्तंभ है जिन लोगों ने इतना यहाँ पे इस योजना में दान दिया है, उनके सबकी बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही मैं KK जैन साहब से निवेदन करूंगा कि इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया और क्या आवश्यक दस्तावेज हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। आइए हम सुनते हैं KK जैन साहब उदयपुर, जो इस योजना में बड़ी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और जो SBI के डिप्यूटी मैनेजर रह चुके हैं। इसके अलावा श्रवण बेलगोला में जो महामस्तकाभिषेक हुआ था इसमें भी सारे आर्थिक व्यवहार इनके ही इनके अंडर में थे, यही सारी व्यवस्था को संभाल रहे थे। KK जैन साहब का स्वागत है, आइए इस योजना की बाकी अन्य जानकारी आप हमें दें। सभी को जय जिनेंद्र। जैसे अभी वीरेन भाई ने बताया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को उन्होंने प्रेस्क्राइब किया, आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। जो विद्यार्थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरी करते हैं वो महासभा के एंड्राइड मोबाइल एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, DJ महासभा पे, वहां पे उसको डाउनलोड करें और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के साथ में अपना फॉर्म भरें, ऑनलाइन फॉर्म भरें। आवेदन शैक्षणिक संस्था में एडमिशन होने के 3 माह के भीतर या महासभा द्वारा घोषित तारीख से पूर्व किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों से पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और आवेदक का मेरिट में चयन होने पर आवेदन की हार्ड कॉपी महासभा के कार्यालय मुंबई को निम्नानुसार प्रेषित करनी होगी। आवेदन फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है और ऑनलाइन है। आवेदन पे आवेदन के स्वयं के उसके गार्जियन के हस्ताक्षर होंगे, उनमें जो इन्फॉर्मेशन भरी गई है उसकी सत्यता के लिए ये फॉर्म महासभा पदाधिकारी, स्थानीय समाज के अध्यक्ष, समाज के प्रमुख, वो जिस मंदिर में जुड़े हुए उस मंदिर के पदाधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित होना चाहिए। और मोबाइल एप्लीकेशन पर फॉर्म भरने के पश्चात सारे जरूरी दस्तावेज को सेल्फ अटेस्टेड करना, किसी और से अटेस्टेड करवाने की आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेंट खुद अपने दस्तावेज को अटेस्टेड कर सकता है। वो फॉर्म के हार्ड कॉपी महासभा के मुंबई ऑफिस को भेजना है जिसका एड्रेस फॉर्म पर लिखा हुआ है। यहाँ पे जो फीस की राशि होगी वो सीधा कॉलेज या जो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया है उनको सीधे भेजी जाएगी, और अगर आवेदक ने पहले पैसा जमा करा दिया है तो वो रसीद महासभा को प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा कर दी जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एप्लीकेशन के साथ में, बहुत सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने जिस कॉलेज, इंस्टीट्यूट या विद्यालय में प्रवेश लिया है उस प्रवेश पत्र की कॉपी, अगर फीस जमा करा दिया है तो वो फीस की कॉपी, जो फी का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का बारे में डिटेल्स, स्वयं का और पेरेंट्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड और उनका फोटो, और इनकम का जो प्रूफ है अगर वो कोई टैक्स रिटर्न भरा है तो उसके बारे में वो दे देंगे, और दिगंबर जैन होने का प्रमाण पत्र साथ में लगाना होगा। ये जो योजना है ये यू हेल्प मी आई हेल्प यू के सिद्धांत पे चलती है। ये महासभा की शिक्षा सहायता योजना है, कोई ऋण योजना नहीं है।
इसमें लाभार्थी वचन देंगे कि शिक्षा पूरी होने पर समाज के अन्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं मेधावी विद्यार्थियों की सहायता के लिए वे कोर्स पूरा करने के एक साल या रोजगार व्यवसाय प्राप्त होने के 6 महीने के बाद जो भी पहले हो उसे महासभा के कॉर्पस फंड में जमा करा देंगे। वे एक मुश्त भी जमा करा पा देंगे और वे अपनी सुविधा के अनुसार किस्त के रूप में भी इसको चुका सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक अंडरटेकिंग या वचन पत्र महासभा को प्रस्तुत करना होगा। कुछ विशेष सूचनाएं हैं, आवेदन साल में सिर्फ एक बार स्वीकृत होगा। लेने वाले सभी विद्यार्थियों को कोर्स का प्रोग्रेस कार्ड मार्कशीट प्रतिवर्ष महासभा को सूचित करनी होगी। अगर अध्ययन के दौरान कोई एड्रेस में सुधार होता है, फोन नंबर होता है, तो इसकी सूचना महासभा कार्यालय को दी जाएगी। कोर्स पूरा होने के पश्चात आवेदक को रोजगार संबंधी सभी जानकारी महासभा कार्यालय को देनी होगी और हमारे धर्म की प्रभावना बनी रहे, जो हमारी सहायता से लौकिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके साथ साथ में धर्म प्रभावना भी हो और में धर्म के संस्कार भी हो। इसके लिए आवेदक को महासभा द्वारा आयोजित जैन धर्म की प्राथमिक शिक्षा की ऑनलाइन परीक्षा देना अनिवार्य होगा और ये जब ऑनलाइन परीक्षा पास कर लेंगे तभी उन्हें अगले सत्र की सहायता राशि को रिलीज किया जा सकेगा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पूरी योजना का स्ट्रक्चर बताया जा चुका है कि 15 व्यक्तियों की, जो कि नाम हमारे पारस जी लोहाड़े ने आपको बताए ही थे, मैं रिपीट नहीं करूंगा, 15 आदमियों की वर्किंग बॉडी है। ये बॉडी इस योजना का रिव्यू करेगी, इसकी जांच करेगी समय समय पर और इसमें जो भी आवश्यक संशोधन होंगे उसको एडिशन डिलीशन अमेंडमेंट करने के वो सक्षम होंगे। में जो गाइडेंस होगी, जो हमारे संरक्षक हैं पांचों डायमंड हैं और आगे भी जो डायमंड मेंबर बनेंगे वो सुओ मोटो हमारे परम संरक्षक बन जाएंगे, उनकी सलाह के अनुसार ये योजना समय समय पर इसमें संशोधन होता रहेगा, उत्तरोत्तर इसको जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको फ्रेंडली बनाई जाएगी। वर्तमान में इसका कार्यालय गिरगांव मुंबई में होगा और इस योजना का फ्यूचर में क्या प्लान होगा इस बारे में हम हसमुख गांधी आगे और बताएंगे आपको। हसमुख जी गांधी इंदौर की ओर, मैं हसमुख जी का भी परिचय करा दूं। हसमुख जी गांधी इस योजना में प्रमुख भूमिका निभा तो रहे ही है, इसके साथ ही वो दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और भारतवर्षीय दिगंबर जैन सूत्र संवर्धनी महासभा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भूमिका निभा रहे हैं और फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय ट्रेजरर है। साथ ही साथ दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षण निर्देशिका, दिगंबर जैन तीर्थ निर्देशिका के संपादक है और बाहुबली महामस्तकाभिषेक में जो युवा सम्मेलन हुआ था इसके चीफ कन्वेनर है और कई सारे क्षेत्रों पर ऊन और 52 गजा, साथ ही साथ समय शिखर जी में जो तीर्थराज शाश्वत ट्रस्ट है वहां पर भी वे ट्रस्टी है। आइए हसमुख जी गांधी इस योजना की अगली जानकारी देंगे। जय जिनेन्द्र, हमारे आदरणीय वीरेन जी और आदरणीय के जैन साहब ने आपको पूरी जानकारी इस प्रोसेस की दी है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा डोनर्स के लिए, तो डोनर जो इस योजना के लिए पैसा देंगे, जो सहायता करेंगे अपने उदार मन से, उन्हें एटीजी का सबसे पहला फायदा होगा। तो मैं निवेदन करूंगा समस्त भारत के श्रेष्ठी जनों से, उदार मना दानवीरों से और जो अभी यहाँ जुड़े हुए हैं उन सब से निवेदन करूंगा कि इस योजना में मुक्त हस्त से अपना सहयोग करें जिससे ये योजना बहुत लंबी चल सके। आपको एटीजी का इसमें लाभ मिलेगा। साथ ही जो डायमंड स्तंभ है हमारे, उनको एक छात्र का अनुमोदन करने का प्रतिवर्ष 10 वर्ष तक वो एक छात्र का अनुमोदन भी स्वयं कर सकते हैं। जो मिनिमम क्राइटेरिया है उससे बाहर तो नहीं होगा, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत एक छात्र का अनुमोदन का भी लाभ हमारे डोनर सदस्य को मिलेगा जो डायमंड डोनर है। तो ये तो हुई डोनर की बात कि वो डीजी। अब ये हम चाहते हैं कि जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जब एजुकेशन पूरी कर ले तो उसके 6 महीने में या उनको जो जॉब मिल जाए जो पहले आ जाए उसमें वो एक स्टूडेंट को मिनिमम जितनी सहायता उनको मिली उतनी सहायता वो वापस महासभा को प्रदान करें और उससे ज्यादा करें तो उनका हम स्वागत है। इससे क्या होगा कि ये हमारी योजना सेल्फ सफिशिएंट बनती जाएगी। आज से 3 साल का कोर्स है या 5 साल का कोर्स है तो 5 साल बाद यदि आपने एक स्टूडेंट के लिए पैसे दे दिया तो हम अगले स्टूडेंट को महासभा वो सहायता दे सकती है और जो शॉर्टफॉल होगा वो हमारे दानवीरों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस तरह से ये योजना बहुत लंबी 100 वर्ष तक चले, जैसी महासभा हमारी 125 साल पुरानी संस्था है ऐसा ही यह हमारा निर्मल ज्ञान योजना भी आगे 100 125 साल तक चलती रहे ऐसा हमारा प्रोग्राम है।
अब जो मैंने अभी आपको बताया बी सी ए एल एल बी एल एल एम के लिए तो तुरंत हमने ये योजना प्रारंभ कर दी है। अब हम आगे के लिए जो बच्चे आई आई टी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेंट्रल की सिविल सर्विसेज या स्टेट की सर्विसेज, उन सब बच्चों को भी हम तैयारी के लिए, कोचिंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए जो खर्चे आते हैं उनके लिए एक निर्धारित क्राइटेरिया तय कर रहे हैं। उनका कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होगा और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनको हम एक राशि तय करेंगे और वो राशि हम उन्हें प्रदान करेंगे जिससे वो इन योजनाओं में लाभ ले सकें और अच्छी पढ़ाई करके और आईआईटी में या सिविल सर्विसेज में जाकर जैन समाज का गौरव बढ़ा सकें। ऐसा एक आगे का हमारा प्रोग्राम है। इस तरह से ये संपूर्ण योजना है। पुनः आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि इस योजना में सहभागी बने, दानदाता के रूप में भी और तन मन धन से सहयोग करके और इस योजना को बहुत चिरस्थायी लंबी बनाए। सादर जय जिनेंद्र। हसमुख जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को इस योजना के बारे में लगभग लगभग सारी जानकारी दी गई है और भी जानकारी महासभा का जो मोबाइल एप्लीकेशन है डीजे महासभा उसमें इसका फॉर्म, इसके लिंक सभी उसी के बीच में है। अगर किसी को आवेदन करवाना है, आपके जानकारी में किसी को मदद चाहिए तो हम उस वो ऐप डाउनलोड करके उसमें वो फॉर्म भरा दें ताकि हम उनकी उन्हें यह पहुँचा सके। हमारे बीच अभी चैट बॉक्स में जिनेंद्र जी जैन जो बांसवाड़ा राजस्थान से उन्होंने एक मैसेज प्रेषित किया था, मैं आप सभी को बता दूं वो जॉइंट प्रेसिडेंट एंड सीएफओ है बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड के और 52 साल के उनकी उम्र है और वो इस योजना से जुड़ना चाह रहे हैं। जिनेंद्र जी जैन आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे लोग इस योजना से जुड़ेंगे तो जरूर इस योजना को हम पूरे देश में, देश के हर कोने कोने में ले जा सकेंगे। जिनेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप इसके पश्चात हम डोनर जो जो हमारे कार्यक्रम के और भी कई डोनर हैं उनकी जानकारी लेंगे और उसके पश्चात हम सभी का मनोगत सुनेंगे, आपका भी मनोगत सुनेंगे। आइए हम चलते हैं जमनालाल जी हपावत मुंबई जो इस योजना में डायमंड स्तंभ के अलावा अन्य भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस योजना में हेलो आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। आइए जमनालाल जी जैन हपावत जी से निवेदन है इस योजना में जो हमारे अन्य दानदाता है जिन्होंने इस योजना में सहयोग प्रदान किया है उनकी जानकारी हमें दे। जमनालाल जी जैन हपावत। हेलो हाँ जी बोलिए अभी जो हेलो हाँ बोलिए बोलिए आवाज आ रही है। हाँ आ रही आ रही। अभी 5 डायमंड स्तंभ हैं उनके नाम तो घोषणा हो गई है और उसके अलावा हमारे कमल जी ठोलिया द्वारा 11,000 रुपया प्रति महीना 12 महीने देने के लिए उन्होंने जिन जिन महानुभावों का सहयोग हमें दिलाया है उसमें उनका खुद का एक नाम है निशी देवी कमल जी ठोलिया फैमिली चेन्नई, दूसरा नाम में से स्वरूप चंद जी लेट स्वरूप चंद जी विमल उषा मार्सन्स पेंडिंग है इसमें आगरा वाले, तीसरा से अनोक देवी सुंदर बिलाला फैमिली जयपुर, श्री चंद्रकांता राहुल पिंकी लोहाड़िया एंड फैमिली जयपुर, श्री रोहित दिव्य एंड फैमिली चेन्नई, लेट श्री राजकुमार जी पांड्या स्नेहा प्रभा एंड फैमिली रांची, शोभा पराग निधि एंड फैमिली जयपुर, ललिता निर्मल जी संध्या लुहाड़िया एंड फैमिली जयपुर, श्री सुशीला देवी गंगवाल एंड फैमिली चेन्नई जयपुर। ये सब महानुभाव ने 11,000 प्रतिमास का घोषणा की है और 12 महीने तक 1,32,000 रुपया ये प्रतिमाह देंगे, एक साल में देंगे। 11,000 प्रति महीने वाले और बहुत से सदस्य में हैं श्री हरकचंद जी निर्मा जी सेठी ट्रस्ट सीतापुर, हस्ते निर्मा जी सेठी सेठी हीरालाल जी महेंद्र कुमार जी, हस्ते श्री कमल बी जैन राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष सुशील महासभा, लक्ष्मी देवी जमनालाल हपावत फाउंडेशन बॉम्बे, श्री संजय जी दीवान सूरत, श्री सुंदरलाल जी डागरिया उदयपुर, श्री राजे जी शाह अहमदाबाद, श्री जयचंद जी पवन जी पाटनी नासिक, श्री सुमेर जी काला जीएसटी कमिश्नर थाना, श्री देव
दिलीप जी गेवारे साहब अध्यक्ष तीनमूर्ति बम्बई, श्री अशोक जी मेहता फाउंडर गुजराती दिगंबर समाज बम्बई, श्री सूरज जी पहाड़िया बम्बई, इन सब ने हमें ये योजना के में सहयोग देने का बात की है और बहुत से ऐसे हैं जो हमें सहयोग दे रहे हैं। सूरत से भी हमारे संजय दीवान ने भी लगे हुए हैं, वो भी बार बार प्रयास कर रहे हैं। हमें पूरे देश से भी इस तरह से योजना लागू करने का हम इंतजार कर रहे थे, तो जितना जल्दी हो सकेगा हम इसके लिए हम फंड इकट्ठा करेंगे और लोगों का सहयोग प्राप्त करके हम इस योजना को आगे बढ़ेंगे। श्री संजय जी दीवान जो हैं सातीहाट बनाना से लेके अब तक हमें निरंतर सहयोग देते रहे, उनका सहयोग हमें आगे भी मिलेगा ऐसा मेरा विश्वास है। जय जिनेन। इतना सब जी जमनालाल जी, आपने इन सभी दानदाताओं का परिचय जानकारी मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस योजना को संबल प्रदान किया है और इसीलिए यह योजना आज इतना विराट स्वरूप प्राप्त कर चुकी है। जमनालाल जी आपने सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस योजना में बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट दिया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम प्रेषित करते हैं। वैसे मैं आप सभी को बता दूं, अभी शुरुआत में 2-3 सिलेबस ही हमने इसमें लिए हैं, आगे चलकर इसमें बहुत सारे अन्य सिलेबस भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे और आने वाले कुछ समय में हर शिक्षा का जो भी हर फैक्टर को हर फैकल्टी को हम इसमें सम्मिलित करेंगे, चाहे MBBS हो, चाहे BHMS हो, चाहे सिविल सर्विसेस हो, सभी को इस योजना के अंतर्गत लाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इसे इसमें इंक्लूड करेंगे इस योजना के अंदर। आइए इस योजना में सारी जानकारी आप सभी के सामने हमने रखी है। अब मैं हमारे इस कार्यक्रम में जो विशिष्ट अतिथि हमारे साथ है उन सभी का आशीर्वचन, उन सभी का आशीर्वाद और उन सभी के मनोगत जानना चाहेंगे। मैं प्रदीप जी जैन आदित्य जी से निवेदन करूँगा, वो इस कार्यक्रम के इस योजना के बारे में हमें मार्गदर्शन दे और आशीर्वाद प्रदान करें। प्रदीप जी जैन आदित्य भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री। जी हमारे केंद्रीय मंत्री प्रदीप जी जैन आदित्य जी से निवेदन है इस योजना के बारे में हमें मार्गदर्शन दे और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जय जिनेन्द्र देव की। सभी जैन समाज के शीर्षस्थ मनीषियों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं समाज के शिरोमणि श्रद्धे निर्मल सेठी जी को और उस व्यक्तित्व को जिस व्यक्तित्व ने अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, श्रद्धे जमनालाल हपावत जी, जिन्होंने डायमंड स्तंभ का एक चमकता हुआ बीड़ा उठाया और पूरी दुनिया के अंदर मजबूती, ईमानदारी और कर्म योगी के रूप में जो जाने जाते हैं हमारे श्रद्धे प्रदीप कुमार जैन PNC, हमारे बीच में परम श्रद्धे जिन्होंने अपने कर्म से पूरी दुनिया में अपना नाम किया है, निर्मल कुमार टोंगिया जी, श्रद्धे पाटनी जी, संजय गंगवाल भाई, हमारे सम्मानी बाबूलाल जी और इस कार्यक्रम को रूप देने वाले हमारे राजकुमार पाटनी जी, सम्मानी हसमुख गांधी जी, सभी हमारे देश भर से जुड़े हुए मनीषीगण। निश्चित रूप से ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि महासभा एक सेतु का काम कर रही है। हम देखते हैं कि सेतु के बिना हम पार नहीं हो सकते। अगर हमें इस संसार सागर की बैतरणी से पार होना है तो हमें गुरु की सेतु चाहिए और जीवन में अगर हमें अंधेरे से प्रकाश में निकलना है, हम देखते हैं व्यवहारिक रूप से देखते हैं कि अगर एक सहारा किसी को मिल जाता है तो वो बहुत ऊंचाई पे पहुंचता है। और शिक्षा के क्षेत्र में क्योंकि नेत्र होते हुए भी हम नेत्रहीन होते हैं अगर हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं हो। हमारे बीच में सम्मानी सुरेश कुमार जैन जी हैं जिन्होंने
बहुत सारे लोगों को प्रकाश दिया है। तो मेरा एक ही केवल सुझाव है, चूंकि हमें मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में स्टार कैंपेनर बनाया और यूपी में भी बाई इलेक्शन है, मैं आपके परिवार का बेटा हूं, आपका भाई हूं और पूरे समय मैं अभी आपका सब सुन रहा था। मेरा एक ही आग्रह, एक चूंकि आपकी निर्मल ज्ञान योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन हम इसमें एक डाटा भी बना लें, हर शहर में कितने हमारे हॉस्टल हैं, जैसे अभी झांसी में आरिका पूर्णमती माता जी आई थी तो हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए की लागत से एक हॉस्टल जैन समाज के लोगों ने झांसी में भी बनाया है, कोटा में भी है, उदयपुर में भी है, मथुरा में, देश के विभिन्न हिस्सों में। तो जब आप इसका स्वरूप पूरा बना चुके हैं, लेकिन आप जहां आर्थिक सहायता के साथ साथ उनको ये व्यवस्था भी बता सकते हैं कि अगर किसी आईएएस के कॉम्पिटिटर को कोचिंग लेना है तो रहने के लिए उसको जगह यहाँ मिलेगी, और उनमें मैं समझता हूँ कि आपका 1 और 1 11 वाली स्थिति होगी। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा है, और मैं ये चाहता हूँ कि अभी कोरोना के काल में जिस तरह से आपने ये योजना बनाई है, कोरोना महामारी जिस समय भी ये खत्म होगी तो हम लोग इसको, आपकी जो कमेटी है वो रीजनल लेवल पे देश में 4 जगह अलग अलग हिस्से में इसके कार्यालय बना लेगी। इसमें क्योंकि कोई भी व्यक्ति पानी जब पिला सकता है जब उसमें झिर हो, तो जिस तरह आज झिर के रूप में हमारे श्रद्धे प्रदीप जी और सभी लोगों ने जो एक झिर प्रारंभ की और उसमें और लोगों ने भी, मैं सुन रहा था अभी, वो लोग भी उसमें समर्पित हो रहे हैं, तो वो चारों जगह से आपके पास लोग जुड़ेंगे भी और जिनको हमें लाभ देना है वो भी जुड़ेंगे। मैं पुनः इस पवित्र योजना के लिए, क्योंकि ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं होता, औसत दान भी ज्ञान दान के बाद ही है, मैं इस पवित्र योजना के लिए सभी दानदाताओं की अनुमोदना करता हूँ और परम प्रभु परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे निर्मल सेठी जी और श्रद्धे जमुना लाल जी दीर्घायु हों और अपने सभी साथियों के साथ ऐसी योजनाओं को चलाते रहें। जय जिनेंद्र देव की जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका, जरूर इस योजना को और भी ज्यादा संबल और भी ताकत हम सभी मिलकर देंगे और आपका भी सहयोग उसके लिए निरंतर हमें लगेगा। आइए हम चलते हैं हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के चांसलर सुरेश जी जैन, जिन्होंने अपने आप में एक विशाल संस्था खड़ी कर जैन समाज का नाम रोशन किया है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी आज जो देश में परचम लहरा रही है, इसके चांसलर सुरेश जी जैन लोहाड़िया। अनम्यूट करिए। अनम्यूट है आपका फोन, अनम्यूट है, बोलिए बोलिए। आ रही आवाज? हाँ आ रही, आ रही। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। परम आदरणीय श्री सेठी जी जो अध्यक्ष है महाराज, और आज के कार्यक्रम के, चाहे मैं कहूं कि उन्होंने शिलान्यास किया है इसको, चाहे मैं कहूं कि वो इसके संचालक है, चाहे जिनके दिमाग में ये सोच आई है, वो व्यक्तित्व श्री हबावत जी, केंद्रीय मंत्री भाई श्री आदित्य जी, प्रदीप जी, निर्मल जी, गंगवाल जी, मुख्य अतिथि कटारिया जी और आप सब लोग, मैं आप सबके चरणों में नमन करता हूं कि आप लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि हमारे स्टूडेंट्स को, जो जैन समाज के स्टूडेंट्स हैं और अलग अलग कॉर्नर्स से आते हैं, उनके लिए हम लोग क्या मदद कर सकते हैं। ये विचार ही अपने आप में बड़ा विचार है, कितना काम हो पाएगा, कितना हम कर पाएंगे, ये आगे हमारी एफिशिएंसी पर और उन लोगों पर डिपेंड करेगा जिनके साथ जुड़ के हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। पर ऐसा है कि जब कोई भी अच्छा काम कोई शुरू होता है तो अच्छे लोग उसमें अपने आप जुड़ जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मैं इस बारे में काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ, लेकिन अपने स्तर पर कर रहा हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी के लेवल पर कर रहा हूँ, और पूरे भारत से जो जैन स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं
मेडिकल और डेंटल कोर्सेज को छोड़कर जो इसके अलावा 100 कोर्सेज से ज्यादा यहाँ पर हम लोग चलाते हैं, उसमें मैं आधी फीस लेता हूँ सभी जैन बच्चों से, वो कहीं से भी आए, किसी भी प्रदेश से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, अगर जैन मात्र है उसमें स्वतंबल लोग भी फायदा उठाते हैं, दूसरे लोग भी फायदा उठाते हैं, पर मैं उसमें भेदभाव नहीं कर पाता हूँ, सभी जेंट्स को उसका फायदा देता हूँ। और पिछले 5 साल उसके पूरे हो गए हैं, ये 6ठा साल है, इस साल हो सकता है कि कुछ कम मुझे करना पड़े उसमें स्कॉलरशिप, लेकिन पिछले 5 सालों में मैं 8-10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देता रहा हूँ, और ये 50-60 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप अब तक जैन स्टूडेंट्स को मिल चुकी है। और मुझे खुशी ये है कि उनमें से बहुत सारे मेरे जो जैन स्टूडेंट्स हैं वो इतने होशियार होते हैं, इतने काबिल होते हैं अपने आप से, कि जब भी कोई कंपनी या नौकरी ढूंढने आती है तो सबसे पहले जैन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। अब बाकी स्टूडेंट्स को हमारे इस बात की तकलीफ होती है कि जैन बच्चों को शायद मैं नौकरी दिलवाने में भी मदद करता हूँ, लेकिन यकीन मानिए मैं नौकरी दिलवाने में बिल्कुल मदद नहीं करता, केवल पढ़ाने में उनकी आर्थिक मदद करता हूँ, लेकिन ये उनके उनके संस्कार, उनकी काबिलियत, उनकी होशियारी और उनकी मेहनत का नतीजा होता है कि वो सबसे पहले अच्छी नौकरियां प्राप्त करते हैं। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैनी तो जन्म से होशियार पैदा होता है और जैनी जन्म से बिजनेसमैन भी पैदा होता है। मुझसे एक इंटरव्यू में कहा गया कि आप ये इतना बड़ा काम शुरू करोगे, आपको कोई तजुर्बा नहीं है। मैंने कहा मैं एक जैन के घर में पैदा हुआ हूँ, लोहारिया मेरा गोत्र है, आप इतना काफी समझो कि मैं हर बिजनेस को संभाल सकता हूँ, क्योंकि मैं हजारों लाखों साल से हमारे पुरखे इस बिजनेस को कर रहे हैं, तमाम दुनिया के चैलेंजेज हमने स्वीकार किए हैं, चाहे आसाम में जाके हो, राजस्थान से जाके, मध्य प्रदेश से जाके, यूपी में आके या कहीं भी जाकर। आप लोग बहुत सारे लोग रेल युग में अपना राजस्थान छोड़े हैं, पर हमारे पुरखे बैलगाड़ी युग में छोड़ा है और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस स्थान पर आकर बस गए। आज हम हजार फैमिलीज यहाँ पर हैं। तो उसका कारण ये है कि हम लोग मेहनती हैं जन्म से, कर्मठ हैं जन्म से। हबावत जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपने जो योजना ली है अपने हाथ में। मैं एक और उदाहरण दे दूं, जैसे मेरा लॉ कॉलेज है, लॉ कॉलेज में इस बार 5 बच्चे जज बने कंपटीशन से, और सौभाग्य से उनमें से 3 बच्चे जैन जज बने। तो जज बनने में मेरा तो कोई हाथ नहीं है ना, वो अपने कंपटीशन से बने, लेकिन फिर भी मुझे खुशी होती है जब किसी अपने आदमी को मैं नौकरी देता हूँ, अपने आदमी को मैं एडमिशन देता हूँ। अभी मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ 112 पीजी एडमिशन हुए एमडी और एमएस के लिए मेडिकल कॉलेज में, और देखिए आप 18 जैन बच्चों ने उसमें एडमिशन लिया। वो इसलिए लिया कि मैं 126 सीटों में से आधी सीटें जैनियों के लिए रिजर्व है। तो ये जो रिजर्वेशन और जो माइनॉरिटी का फायदा अभी निर्मल जी सेठी बैठे हैं, इनकी वजह से, हम सब की मेहनत से, और खासकर आदित्य जी की वजह से, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने हमें ये अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था, ये उस समय मिल गया तो मिल गया, अब आगे मिलना मुश्किल है। और हम लोगों को उसमें अपने इंस्टीट्यूशन चलाने में एक फायदा ये है कि हम लोग अपना मैनेजमेंट अपने आप कर सकते हैं, अपनी फीस अपने आप तय कर सकते हैं, अपने हर बच्चे को जैन धर्म भी पढ़ा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा। हम लमोकार मंत्र ग्रेजुएशन के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, और यहाँ पर जो हम लोग पूजा के दिनों में 600-700 बच्चे बैठ के जो पूजा करना सीखते हैं, आपको ऐसा सीन कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर 18 साल से 25 साल के लोग पूजा करने बैठे। सब जगह बुजुर्ग लोग पूजा करते हैं, बुजुर्ग लोग विधान करते हैं, बुजुर्ग लोग पिछकाल करते हैं, और वो जो संस्कार मैं यहाँ से डाल के भेजता हूँ वो सारी जिंदगी उनके काम आते हैं। जब उनको बिना प्याज का बिना आलू का खाना यहाँ मिलता है, दिन में खाने की व्यवस्था होती है, दशलक्षण में एक आश्रय की व्यवस्था होती है, ये जो संस्कार वो लेके जाते हैं। और तीसरी बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं भी आपका पार्ट हूँ, आप लोगों ने जो ये निर्मल योजना चलाई है इसमें आप हमारी यूनिवर्सिटी का किसी भी तरह से जो भी सदुपयोग करना चाहें मुझे देकर उसको खुशी होगी। और एक बात का मैं आपसे सबसे आग्रह कर रहा हूँ, सभी श्रेष्ठीगण यहाँ बैठे हैं, कि अपने कर्मचारी जो जैनी है, अपने पुजारी जो जैनी है, उनके बच्चों को जरूर पढ़ाइए, आधी फीस में देने को तैयार बैठा हूँ, आधी आप लोग दे दीजिए, तो एक बड़ा उपकार आपके कर्मचारियों पर, आपके पुजारियों पर, आपके गरीब लोगों को हो जाएगा। ये एक बड़ा काम होगा, वो सारी जिंदगी आपका एहसान मानेंगे। और निर्मल योजना निश्चित रूप से जिस बड़े
चैलेंज के साथ शुरू हुई है। ये बड़ा चैलेंज है, इसके सभी श्रेष्ठियों को, सभी जो डायमंड लोग इसमें जुड़े हैं उनको और जो आगे जुड़ेंगे उन सबको मैं बता दूं कि ये एक बड़ा काम आपने हाथ में लिया है और इससे बड़ा उद्धार हमारी समाज का होने वाला है। क्योंकि जब आप एक बच्चे को पढ़ा के कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी वो बड़े पद पर जाकर बैठ जाता है, तो वो बाकी लोगों का निश्चित रूप से ख्याल रखता है। और अब हमारे जैनियों में एक टेंडेंसी डेवलप हुई है, पहले नहीं थी, कि जो जैन अफसर बन के जा रहे हैं वो जैनियों का खास ख्याल रखते। कटारिया जी बैठे हमारे, ये भी सबूत है इस बात का कि जो भी जैन अफसर बड़ा अधिकारी बनता है कहीं पर भी, आप सब लोग जानते होंगे, हम लोग सब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के साथ भाईचारा निभाते हैं, और उनका एहसास ही हमें एक ताकत देता है। वो कोई मदद करे ना करे, उनका एहसास ही हमें एक ताकत देता है। तो आप सब हसमुख जी यहाँ बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हसमुख जी आप बड़ा काम कर सकते हैं, दिल से जुड़िए इसमें। और हफावत जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, निर्मल शेट्टी जी के चरणों में नमन, और आप सबको नमन। मैंने कुछ ज्यादा समय ले लिया हो तो मुझे माफ करें, पर मैंने थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर की। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य जी, जैन आपका, आपने बिल्कुल सही कहा है। जैन आदमी, जैन व्यक्ति जो होता है वो जन्म से ही व्यापारी होता है, होशियार होता है और मेहनती भी होता है। उसे सिर्फ एक दिशा की जरूरत होती है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो संस्कारों का बीजारोपण शिक्षा के साथ साथ आप कर रहे हैं, यह बहुत ही अनुकरणीय है और बहुत ही अच्छा कार्य कर आप समाज को एक अच्छी दिशा दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम चलते हैं डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल, जो शाखार के माध्यम से देश में अहिंसा का बिगुल बजा रहे हैं। डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल अपने विचार रखेंगे, और मैं बाकी सभी से निवेदन करूंगा, समय हमारा काफी हो चुका है, सभी लोग संक्षिप्त में विचार रखें और हम आगे जल्द से जल्द सभी को सुनेंगे। आइए। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं आज मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि मेरे जैसे सरस्वती पुत्र की मुलाकात बड़े बड़े लक्ष्मी पुत्रों से हुई। मुझे बहुत खुशी होती है जब ये जो निर्मल योजना, जो ज्ञान योजना आपने चालू की है, क्योंकि मैं एक शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, पूना में कंसल्टेंट डॉक्टर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूँ मेडिकल का, और उसके साथ साथ मैं कई गरीब बच्चों को आज तक कई बार मदद कर चुका हूँ। महाराष्ट्र में ऐसे गरीब बच्चे बहुत है, पर्टिकुलरली सांगली, कोल्हापुर, ये एरिया से आने वाले अपने दिगंबर जैन बच्चों एजुकेशन के फील्ड में बहुत होशियार होने के बावजूद भी शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उनको यही इससे बहुत बड़ी मदद होगी, संक्षिप में एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ। आज बड़े बड़े सौभाग्यमल जी, कोठारी जी है, प्रदीप जी है, सब बड़े बड़े हैं, सुरेश जी है, सभी लोगों को एक विनती करके कहना चाहता हूँ कि एक हम महासभा की ओर से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाए, और वो प्रोजेक्ट रहेगा जहाँ जहाँ जीना लय वहाँ वहाँ विद्यालय। जब जब बड़े जिनालय हम बनाते हैं तो एक विद्यालय और एक हॉस्टल वहाँ बनाना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आने वाली जैन पीढ़ी यदि संस्कारित होना हम चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। बड़े बड़े पंचकल्याणक होते हैं, बड़े बड़े योजनाएं मंदिरों की होती है। मैं सोचता हूँ 10% पैसा एक विद्यालय के लिए रखा गया तो यह विद्यालय बहुत बड़ा काम करेंगे, और एक बात, जो बात आपने रखी कि जो हम संकल्प पत्र ले रहे हैं ये बच्चों से, उसमें एक बात मैं सुझाव देना चाहूंगा, या बच्चों को संकल्प दे कि जिंदगी भर वो शाकाहारी रहेंगे, परमात्मा को साक्षी रख के, और जिंदगी भर व्यसन मुक्त रहेंगे। आने वाली पीढ़ी को ये दो बड़े संस्कारों की बहुत बड़ी जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। और एक डॉक्टर के नाते, एक मेडिकल फील्ड के पोस्ट ग्रेजुएट के नाते मैं आपको आश्वासन देता हूँ, हेफावत जी और निर्मल जी सेठी, कि मैं जो भी मदद चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं सरस्वती पुत्र जरूर हूँ, मगर जिंदगी का सभी वक्त मैंने सदाचार, शाकाहार और अहिंसा के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेशों में मेहनत की है, और जिंदगी भर वो करता रहूंगा, आखिरी दम तक करता रहूंगा। मैं हेफावत जी आपका, पारस जी, लोहाड़ी जी नासिक वाले, उनका भी बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि ऐसे सुंदर प्रोग्राम में सहभागी होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और वो सभी डायमंड जो है समाज के, उनकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय
जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, जहाँ जीना ले वहाँ शिक्षा ले, ये लाइन हमारी होनी चाहिए जिससे शिक्षा का भी सभी को लाभ मिलेगा। और इस योजना में मैं आप सभी को बता दूँ, शायद आपने सुना भी होगा कि जो जिन भी विद्यार्थियों को हम इस योजना में मदद देने वाले हैं उनको महासभा का जो जैन परीक्षा बोर्ड है उसकी एग्जाम देना अनिवार्य रहेगा इस साल। उसको जब हम उसको योजना में लाभ देंगे तो अगले साल उसका लाभ लेने के पूर्व उसको एक बार वो शिक्षा एक बोर्ड उस साल का कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ही अगले साल का लाभ उसे मिलेगा, यह इस योजना का प्रावधान भी है। बोलिए आप कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। तो ये बिल्कुल हमने इसका जरूर ध्यान रखा है कि इसमें जैन शिक्षा भी उनको ले। आइए हम चलते हैं, हमारे बीच में है विनोद जी डोडनवर जो इस कर्नाटक महासभा के अध्यक्ष है। विनोद जी डोडनवर, विनोद जी से निवेदन है कृपया अपने विचार रखें और हमें मार्गदर्शन। सभी को जय जिनेन्द्र। आई थिंक सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द कम्युनिटी एट द नेशनल लेवल इज वर्किंग ऑन सपोर्टिंग द जैन स्टूडेंट्स। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ economically weaker Jain students in Karnataka and Maharashtra area, and I congratulate Nirmal ji, Jamnalal ji and all other personalities who are associated with the Nirmal Gyan Yojana. It is definitely going to help the underprivileged section of our society. They are intelligent students but they don't get the opportunity because they lack in finance. And this is a great step. My only suggestion in this is that the scholarship or the support what the Nirmal Gyan Yojana has been planned for, it should start from the school level also. And it should not be restricted to only technical or chartered accountancy or law courses, because large number of students are pursuing their education in different fields. So I think so it should be kept open. And only the engineering students should not benefit, or the chartered accountant students should not benefit. All the students, especially the school students, should benefit, because many of the school children drop out because they are unable to afford the fees in the schools and colleges. So I think so. The people behind it will take a note of it and support all the poor deserving students. And once again, I congratulate all the people and. We are running an education institution in Belgaum where more than 8,000 Jain students are studying, and more than 30% of these students are Jains, and out of that large number of them come from economically weaker sections of the society. Definitely I will be able to scrutinize large number of students and be able to send the applications to the concerned authorities. And once again I thank everyone, I thank all the donors for recognizing the importance of education in the Jain community. Thank you, जय जिनेन्द्र। विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हम सभी को भी पता है बेलगांव में एक बहुत बड़ा विद्यापीठ आप चलाते हो, आपके परिवार के माध्यम से चलाया जा रहा है, और जैसे कि आपने कहा इसमें लगभग 8,000 बच्चे है अभी पढ़ रहे हैं, उसमें 30% बच्चे जैन है। बेलगांव में हमारा बहुत बड़ा समाज है और उन सभी समाज के लोगों को आप भी मदद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम चलते हैं, अभी हमने दो उद्घाटन करे, एक निर्मल ज्ञान योजना का और हमने एक निम्या घाट का भी उद्घाटन देखा है। इसके बाद और एक उद्घाटन हम करेंगे 2 मिनट के बाद, उसके पूर्व मैं लेता हूँ सुरेंद्र जी जैन भारती जो विद्वत परिषद के महामंत्री है। सुरेंद्र जी जैन भारती कृपया अपना मार्गदर्शन करें। श्रीमत परम गंभीर लाछनम त्रैलोक्यनाथ से शासनम जिन शासनम। परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज के चरणों में सादर प्रणति। आज के इस निर्मल ज्ञान योजना के उद्घाटक श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया साहब, महासभा के प्राण स्वरूप श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी, और इस निर्मल ज्ञान योजना को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री जमनालाल जी हपावत संयोजक और सभी श्रेष्ठीगण, वर्तमान की आवश्यकता ज्ञान की है, शिक्षा की है,
21वीं सदी को ज्ञान के विस्फोट की सदी माना गया है और इसमें यदि जैन समाज जैसा प्रबुद्ध समाज पिछड़ जाए तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। श्रीमान जमनालाल जी हपावत ने अपने प्रयासों से जो इस निर्मल ज्ञान योजना का शुभारंभ किया है, यह आज की आवश्यकता है और आज की नहीं सदा की आवश्यकता है। अगर विगत 100 वर्षों 60-70 वर्षों का इतिहास देखें तो साहू जैन छात्रवृत्ति फंड से जितने विद्यार्थियों का उपकार हुआ है वह अपने आप में श्लाघनीय है। आज आर के मार्बल चैरिटीज से भी और भी 20-30 संस्थाएं हैं या ट्रस्ट हैं जो छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, लेकिन वर्तमान दौर में जिस प्रकार शिक्षा महंगी हुई है और आवश्यकता बढ़ी है उसको देखते हुए एक बड़े फंड की आवश्यकता है, बड़ी योजना की आवश्यकता है। निर्मल ज्ञान योजना इस कमी को पूरी करने में समर्थ होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की आज से 76 वर्ष पूर्व स्थापना इसी आधार को लेकर के की गई थी कि जैन विद्या का विकास हो, जैन विद्वानों का विकास हो और उनका संगठन बने। तो आज ये आवश्यकता है कि हम अगर किसी को सहयोग देंगे ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनका चारित्र भी उज्जवल होगा और समाज के प्रति भी स्वाभाविक रूप से हितैषी बनेंगे, क्योंकि जब उन्हें प्रतीत होगा कि समाज ने हमारा सहयोग किया है। वरना ये होता है कि हम जब कभी पूछते हैं कि अरे आप जैन समाज के हैं, तो ऐसा व्यक्ति कहता है अरे जैन समाज ने मेरे लिए किया ही क्या है। तो मैं समझता हूँ कि यह आधार निर्मल ज्ञान योजना शिक्षा के लिए, जैन विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए आधार भूमि का कार्य करेगी और इसमें अवश्य सफलता मिलेगी, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं विशेष रूप से यह भी कहना चाहता हूँ, आदरणीय सेठी जी हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आज एक प्राकृत भाषा और एक पुरातत्व, तो दोनों की दिशा में भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है। मैंने स्वयं अपने प्रयासों से यहाँ बुरहानपुर में प्राकृत जैन शोध केंद्र की स्थापना की है और उसे आगे बढ़ा रहा हूँ। आज भविष्य में हमारा जो अल्पसंख्यक स्वरूप है वह प्राकृत भाषा, पुरातत्व, मूर्ति शिल्प, मंदिर शिल्प, इनके आधार पर ही रहेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी जो संपदा है उसका संरक्षण करें, उसका विकास करें और निर्मल ज्ञान योजना को जितना अधिक से अधिक विस्तार दे सकें। जरूर आज हमारे सामने डायमंड लोग आए हैं, आप डायमंड भी रखिए, आप गोल्ड भी रखिए, आप सिल्वर भी रखिए और जितने भी एक पैसा भी अगर किसी का सहयोग मिलता है तो वह लीजिए, क्योंकि वही एक पैसा किसी एक विद्यार्थी के लिए भविष्य का काम कर सकता है। आज से 100 वर्ष से भी अधिक पहले मात्र एक रुपए के दान से 64 पोस्ट कार्ड खरीद करके पूज्य गणेश प्रसाद जी बरनी ने सियादबाद महाविद्यालय की स्थापना की थी। सैकड़ों विद्यार्थी वहां से शिक्षा ग्रहण करके निकले, तो एक एक पैसा, एक एक रुपया हमारे लिए किसी डायमंड से कम नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस योजना से जुड़े हुए मैं सभी श्रेष्ठियों के प्रति बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं और मैं आदरणीय जमनालाल जी के प्रति धन्यवाद के साथ अपने सहयोग के प्रति वचनबद्धता व्यक्त करता हूं। सभी को जय जिनेंद्र, सभी का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी जैन भारती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्वत परिषद के माध्यम से आप समाज के सारे विद्वान इकट्ठे होकर समाज को जो दिशा दे रहे, समाज को दे रहे, उसका लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पधार चुके हैं परम पूज्य प्रज्ञाशमन आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज। मैं महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि निर्मल ज्ञान योजना को आपका आशीर्वाद प्रदान करें और हमें मार्गदर्शन करें। सावण नमस्कारम हरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आयु अध्यायाणम लोयम्मिया सौ साहूणम।
भगवान महावीर स्वामी को एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री आज हमारे बीच में अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महासभा धर्म संरक्षणी श्रुत संवर्धनी आदि विविध रूपों में देश और विदेश में अपनी पुरा संपदा को एवं सांस्कृतिकता को संरक्षित और संवर्धन करने का कार्य लगभग 125 साल से कर रही है। इस संस्था से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारियों ने अपने जीवन जैन देर जैन तीर्थ एवं जैन श्रवण परंपरा को सुरक्षित करने में लगाया है। इसलिए इस महासभा के समस्त पदाधिकारियों को हमारे बाबूजी श्री निर्मल जी सेठी जी आज जिनकी जन्म दिवस के निमित्त यह निर्मल ज्ञान योजना प्रारंभ के भामा साहेब श्री जमुनालाल जी अबाबत साहब जिन्होंने इसको मूर्त स्वरूप देने में अथक परिश्रम किया है। हमारी समाज की ही सारी वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारीगण चाहे हमारे कटारिया जी हों चाहे हमारे राजकुमार सेठी जी हों कमल जी ठोलिया साहब हों और हम जितने भी कार्यकर्ता गण हैं आज वो सब समर्पित हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। नानम प्रयासयो हमारी जैन संस्कृति में ज्ञान को प्रकाश हमें सब तरह पहुंचाना होगा। तो पढ़ना चाहते हैं किंतु अर्थाभाव के कारण कुछ अपनी पारिवारिक आर्थिक समस्याओं के कारण अपने जीवन का संपूर्ण सर्वांगीण विकास नहीं कर पाते हैं। अब यह निर्मल ज्ञान योजना जो हम प्रारंभ कर रहे हैं यह निश्चित रूप से प्रतिभाशाली प्रेरणादायी होगी। हमारी जैन समाज में अनेक ज्ञान की संस्थाएं हैं किंतु वे अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। यह जो निर्मल ज्ञान योजना कार्य करेगी यह एक बहुत बड़ा व्यापक हमारे बहुत सारे विद्यालय बहुत सारे यूनिवर्सिटियां हैं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की हमारी भगवान महावीर तीर्थंकर यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री सुरेश जी जैन बहुत अच्छा कार्य करे हैं। अलीगढ़ का हमारा मंगलायतन एवं धर्मस्थल के हमारे श्री वीरेंद्र जी हेगड़े हमारे दोडन्नावर विनोद जी दोडन्नावर और आज वर्तमान में हमारे आचार्य गुणधन नंदी जी महाराज यह भी अपना पूरा ध्यान इस ज्ञान विकास की तरफ लगाए हुए हैं। हमें अपने संस्कारों को बरकरार रख बनाने के लिए बच्चों पर हमारी पारिवारिक जैन समाज के अहिंसा शाकाहार दया सेवा श्रद्धा और समर्पण के भाव जागृत हों इसके लिए इसको हमारे लिए आगे बढ़ाना है। इस योजना में
जो भी लोग स्थायी तौर पर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं वे इस संस्था के सबसे बड़े आधार स्तंभ होंगे, दीप स्तंभ की भांति हम इनके लिए कह सकते हैं। जैसे रास्ते पर एक लाइट के खंभे पर एक लाइट जलती है तो वो चारों तरफ प्रकाश देती है। आज डायमंड आधार स्तंभ के ऊपर जिन जिन लोगों ने निर्मल ज्ञान योजना में अपना सहयोग दिया है वे सब लोग हमारे दीप स्तंभ की तरफ होंगे, और आपके दिए गए सहयोग के कारण वर्ष भर में कितने बच्चे अपना जीवन विकास करेंगे और वे ही हमारी समाज और देश की सेवा में अग्रगण होंगे। इसलिए आप सब लोगों से मैं यह आग्रह करूंगा कि जितना हो सके आज सरस्वती पुत्रों को पैदा करने के लिए हमें आप जैसे लक्ष्मी पुत्रों की आवश्यकता है, और आप जैसे लक्ष्मी पुत्र अपनी चंचला लक्ष्मी का थोड़ा थोड़ा सा भी कण कण भी यदि दान में देते हैं तो जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करके हमारी देश में हमारे समाज के बच्चे कोई डॉक्टर्स बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई साइंटिस्ट बनेंगे, कोई वकील बनेंगे, कोई जज बनेंगे, कोई आईएएस ऑफिसर बनेंगे, और इसी से हमारी समाज की प्रतिमाएं भी आगे बढ़ेंगी और हमारी समाज का विकास भी होगा। अतः इस अवसर पर इस महासभा के निर्मल ज्ञान योजना का बहुत ही व्यापक और विस्तृत स्वरूप हो और स्थायी तौर पर हमारी यह निर्मल ज्ञान योजना निरंतर चलती रहे। मैं इस संदर्भ में एक ही कहना चाहूंगा कि निर्मल ज्ञान योजना को अच्छी तरह से स्वरूप पर राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर इसकी कुछ से हमारा यह ज्ञान जो है निरंतर फैले और बच्चों के लिए इसके लिए उपलब्धि भी हो। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, यदि तत्काल में निर्मल ज्ञान योजना के विकास करने के लिए हमारे लिए प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह के छात्रावास अर्थाभाव के कारण चल नहीं रहे हैं। यदि निर्मल ज्ञान योजना के सारे पदाधिकारी इन छात्रावासों को संचालित करने का भी संकल्प करें तो भी हमारा निर्मल ज्ञान योजना का कार्य द्रुत गति से बढ़ सकता है। जहां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े बड़े विद्यालय हैं, बड़े बड़े एजुकेशन हब हैं, वहां पर हमारे लिए निर्मल ज्ञान योजना की परम आवश्यकता है। सभी इसमें अच्छे एजुकेटेड लोग भी सम्मिलित हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग भी हैं, बड़े बड़े जीएसटी कमिश्नर के हमारे सुमित जी काले साहब वो भी यहाँ पर विद्यमान हैं, जो अपनी प्रतिभा से इसको और अच्छा स्वरूप दे सकते हैं। मैं भाई पारस जोहारी को जिन्होंने अपना प्रयास करके निर्मल ज्ञान योजना के संदर्भ में आज ओपनी है यह कहकर आज सभा आयोजित की जा रही है, यही हमारा प्रारंभिक उद्घाटन का सत्र है, अथवा इसी को हम अपनी शुरुआत समझ करके चलें। आने वाले दीपावली की हमारी जो दिवाली है वो एक ज्ञान दीप जला करके होनी चाहिए, और ऐसा ज्ञान दीप हम एक जला करके एक सेंटर की हम शुरुआत कर लें, चाहे वो हम दिल्ली में करें, चाहे वो हम बॉम्बे में करें, अथवा आप जहां भी उचित समझें वहां पर आप निर्मल ज्ञान योजना का एक सेंटर इस वर्ष दिवाली के पावन शुभ अवसर पर यदि प्रारंभ हो जाए तो मैं समझूंगा कि एक बहुत अच्छी उपलब्धि अपने समाज के लिए प्रारंभ हो गई है। आप लोग जब भी ऐसा भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन और सहयोग इस निर्मल ज्ञान योजना के लिए चाहेंगे मैं आपके साथ सदैव रहूंगा और सदैव आपके लिए जो हूँ मैं निर्मल ज्ञान योजना के लिए कार्य करूंगा। मैं अपने आशीर्वादात्मक इन शब्दों के माध्यम से अपनी वाणी के लिए यहीं पर विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। धन्यवाद।
नमस्ते गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हमारे इस योजना को जरूर संबल प्रदान करेगा। वैसे मैं आप सभी को जानकारी दे दूं, महासभा में जो भारतवर्षीय दिगंबर जैन श्रुत संवर्धनी महासभा है, इसकी शुरुआत कुछ वर्ष पूर्व हुई थी और जिसका ओपनिंग सेरेमनी जो था, जिसका उद्घाटन समारोह था, वो परम पूज्य आचार्य प्रकाशमन देवनंदी जी गुरुदेव के सानिध्य में ही हुआ था। और आज उनके ही सानिध्य में उसी महासभा के अंतर्गत योजना का शुभारंभ हो रहा, ये बहुत अच्छा सहयोग है और महाराज जी का हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, इस वजह से आज हम इतने इस योजना को अंजाम दे पा रहे हैं। आइए हम चलते हैं, एक छोटा सा उद्घाटन हमारे बीच में है जो प्राकृत टाइम्स करके एक मैगजीन शुरू हुआ है, इसका उद्घाटन कुछ ही पलों में हम करेंगे। मैं इंदु जी जैन से निवेदन करूंगा कि वो इस बारे में हमें जानकारी दे। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम, गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज यहाँ पर निर्मल ज्ञान योजना के तहत निर्मल जी सेठी जी ने, बाबू जी ने, जमुना लाल जी ने और पारस जी ने ये अनुमति प्रदान की कि प्राकृत टाइम्स इसको लॉन्च किया जाए और ये इसका थर्ड एडिशन है। और एक बात बहुत प्रसन्नता की है कि ये पहली मैगजीन है जो इंग्लिश में है और इसके माध्यम से पूरा इंटरनेशनल लेवल पे जो भी प्राकृत के लिए कार्य हो रहे हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से इसमें रूपरेखा दी जाती है। इसके एडिटर है डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन, जो कि प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी वाराणसी, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत है प्राकृत भाषा में, उनके सुपुत्र हैं। और प्रोफेसर अनिकांत कुमार जैन जी, राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत है प्राकृत भाषा में, उनके छोटे भाई हैं। तो उनके माध्यम से, उनकी प्रेरणा से ये कार्य एक शुभारंभ किया गया है प्राकृत विश्व भारती फाउंडेशन द्वारा। और ये आप देख सकते हैं कि इसका इतना भव्य उद्घाटन आज जैनम चैनल पर हो रहा है और जो निर्मल सेठी जी हैं उनका बहुत बहुत आशीर्वाद इसके लिए प्राप्त हुआ है। सभी आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, गुरुवरों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और वास्तव में कहा जाए तो एक इंटरनेशनल पहचान बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं चाहूंगी कि जिस तरह से महासभा कार्य कर रही है निर्मल योजना के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, निश्चित रूप से वो एक बार अपना एक प्रयास, सार्थक प्रयास इसके लिए भी करे कि प्राकृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी महासभा का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। हमें बहुत खुशी होगी क्योंकि निर्मल सेठी जी हमेशा समर्पित रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो। और आपको एक बात और बता दूं कि विश्व की प्रथम मैगजीन जो सिर्फ और सिर्फ प्राकृत भाषा में छपी है वो है पागत भाषा। और पागत भाषा जैसी मैगजीन जब इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा था तो कहा गया कि ये पहली मैगजीन है। उसके एडिटर हैं प्रोफेसर अनिकांत कुमार जैन जी और उनके छोटे भाई, और मैंने, डॉक्टर इंदु जैन, मैंने ये प्रयास किया है कि अंग्रेजी के माध्यम से भी इंटरनेशनल लेवल पर इस मैगजीन को पहुंचाया जाए और इसमें आप सभी का सहयोग प्राप्त हो, आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद प्राप्त हो, बस हम सभी की यही शुभकामनाएं हैं। मैं आप सभी को साधुवाद देती हूँ कि आप सभी ने इसका एक ग्रैंड लॉन्च किया और बहुत ही अच्छे से प्राकृत टाइम्स को आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। आप सभी का पुनः आभार, पुनः वंदन, पुनः अभिनंदन। इंदु जी जैन, बहुत धन्यवाद। प्राकृत भाषा को आगे जीवित रखने के लिए आप जो कार्य कर रही है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और आइए चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर। हमारे बीच है हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत श्री निर्मल कुमार जी सेठी जी, जो महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है और उनके ही नाम से हमने इस योजना की शुरुआत की है। मैं बाबूजी से निवेदन करूंगा वह हमें आशीर्वाद प्रदान करें, इस योजना को हम महासभा की तरह ही 100 से भी ज़्यादा वर्षों तक चलाए, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें आदरणीय निर्मल कुमार जी से।
मुनि देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। बोले वर्तमान शासक नायक महावीर भगवान की जय। चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री देवनंद जी महाराज की जय। गण्य आरिका ज्ञानमती माता जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आदरणीय उपस्थित हमारे प्रदीप जी सहित आदित्य चले गए होंगे और उपस्थित हमारे प्रदीप जी, हमारे जमुनालाल जी हपावत साहब और हमारे निर्मल जी मोठिया जी और हमारे बाबूलाल जी साहब काला और गजेंद्र जी पाटनी नहीं है और आदरणीय हमारे साजी साहब श्री सोवागमल जी साहब कटारिया जी और हमारे राजकुमार जी सेठी है और पारसे लोहाड़े हैं और हमारे डॉक्टर रमा जैन है और कमल जी ठोलिया और हमारे सुरेश जी हैं, सुंदरलाल जी डागरिया है हमारे बीच में, हमारे आदरणीय महान विद्वान फूलचंद जी प्रेमी हमारे बीच में है, मैं बहुत खुशी है। हमारे शशिकांत जी है, महावीर जी है और कल्याण जी गंगवाल, डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल का हमारे बीच में होना बहुत बड़ा हमारे सौभाग्य की बात है। सुमेर जी काला हमारे बीच में है और ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। अशोक जी सेठी हमारे बेंगलोर से है, हमारे अनिल जी सेठी जो हमारे बेंगलोर से है और ये बहुत बड़ी बात है। और के जैन साहब उदयपुर से और एनएम जैन साहब और हंसमुख जी इंदौर से और अरियंत हमारे है, विनोद जी डोंडावकर जी है और सभी उपस्थित महानुभाव भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मेरा ऑब्जेक्शन है कि ये निर्मल नाम से क्यों किया आपने, ये नहीं कहिए, कोई और अच्छा नाम ढूंढिए इस योजना के लिए। और दूसरी बात यह है कि आज ये इतना बड़ा सौभाग्य, मुझे इतनी खुशी आज कि ये योजना का शुरुआत आदरणीय सौभागमल जी कटारिया के द्वारा हो रहा है। देखिए महासभा से जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से एक दो तीन को छोड़ करके सबसे ज्यादा यदि महासभा से जुड़े हुए हैं तो हमारे सौभागमल जी कटारिया जी हैं। सौभागमल जी कटारिया और मैं और हमारे टीएम साथ थे और एक और थे अहमदाबाद के जर्नलिस्ट थे, हम लोग 1981-82 के अंदर में गिरनार पर्वत से लेकर के इडर तक पूरी यात्रा की थी इनके साथ में और इन्होंने हमें सारी चीजें गुजरात के बारे में बताई थी। उस समय से गुजरात के हमारे जो भी जीर्णोद्धार का काम होता है तो उसके अंदर हम इनसे परमिशन लेते हैं और इनके मार्गदर्शन में सारा काम होता है। सोवाम जी साहब अभी जो हम विदेश की जो यात्रा कर रहे हैं, अभी जो हम पेरू गए हैं, ग्वाटेमाला गए हैं, इथोपिया गए हैं, सब जगह विद्वानों को स्पॉन्सर इन्होंने किया है, इनको विदेशों के अंदर में जो जैन धर्म है उसकी जो खोज महासभा कर रही है उसके लिए इनको बहुत ही प्यार, बहुत ही लगाव है और ये दिल से चाहते हैं कि जो विदेश के अंदर में भगवान की जो सभ्यता है, समर सिविलाइजेशन है, उसकी खोज और भी अच्छी तरह से हो। तो ऐसी भावना वाले हमारे आदरणीय सौभागमल जी कटारिया जी ने इस योजना को आज शुरुआत किया है उनके, तो ये बहुत मुझे आशा है कि ये आगे खूब सफलता को प्राप्त करेगी। दूसरी बात है कि हमारे महासभा का सारा कार्य हमारे प्रकाश सिंह जी बड़जात्या और सब देखते हैं सबको, तो उनके लिए भी और सबके लिए हमारे आज ये शिक्षा योजना की जो बात है, हमारे कमल जी जैन, हमारे डॉक्टर निर्मल जी जैन, ये सब कार्य रमा जैन सब देख ही रहे हैं और इस काम को इतने बड़े विशाल रूप से हमारे जमुनालाल जी हपावत ने और पारस लोहाड़े ने जो चेष्टा की है, तो उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप पूरे जोर से जुड़े रहिए और हमारे जो तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के सुरेश जी ने आज कितना अच्छा अपना दिया है कि जो हमारा एक नारा है कि दिगंबर जैन समाज का कोई भी लड़का लड़की फीस के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित नहीं हो,
इसके अंदर में हम लोगों ने हमेशा प्रायोरिटी दी है कि जो भी पुजारी के लड़के हैं, जो पूजा जो मंदिर में पूजा का सब कार्य करते हैं, और उनके लड़के लड़कियों को हम माने जरूर स्कॉलरशिप, सबसे पहले उनको स्कॉलरशिप देंगे, प्रायोरिटी पर देंगे। दूसरा प्रायोरिटी हमारा है कि कोई यदि छोटी उम्र में विधवा हो जाती है तो उसके बच्चों को हम स्कॉलरशिप देंगे, ये हमारा लक्ष्य रहा है। तो आज हमारे सुरेश जी ने कह दिया है कि पुजारी के लड़कों को वो स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, फीस को काफी छोड़ देंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही अच्छी उनकी है कहना है। और हम ये तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय बनी है तो हम पुरातत्व के बारे में भी सुरेंद्र भारती जी ने कहा है, सुरेंद्र भारती जी ने जो पुरातत्व की बात कही है, मैं हमेशा इसी बात को कहता हूँ सबको कि जैन धर्म की सब चीजें पुरातत्व में है, सब पढ़ी उनको हम लोग उजागर करें, तो उसके लिए हमको पुरातत्व विद्वानों की दरकार है, तो इसलिए पुरातत्व के एजुकेशन पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें देना है। और खास करके अभी जो है जो हमारे मन में जो इतनी जगह जहाँ जहाँ अब कमजोरियाँ हैं हमारी, क्योंकि अब हम इसको पूरे भारत के लेवल पर देखेंगे, तो उस कमजोरियों को हम लोग दूर करना चाहेंगे। और जो महासभा परीक्षा बोर्ड है जो आज 100 से करीब 15-16 वर्ष हो गए, 17 वर्ष, तो उसको भी हम लोग बहुत मजबूती देंगे उसको, महासभा परीक्षा बोर्ड। और हमारे जो मोरना विद्यालय है अभी कुछ दिनों से उसमें थोड़ी गड़बड़ चल रही है, तो उसको भी हम ठीक करेंगे। मोरना विद्यालय महासभा की देन है, महासभा के हमारे गोपाल दास जी वरैया जो थे उन्होंने, वो संयुक्त मंत्री थे महासभा की, और उनके माध्यम से हमने एक विद्यालय वहाँ पर स्थापित कराई थी, तो उसको भी हम लोग देखना है। कहने का मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए ये हम लोग काम करेंगे। और मैं सबसे ज़्यादा जो हमारे आसाम के बाबूलाल जी इससे जुड़े हैं, और हमारा आसाम ने हमेशा महासभा को सहयोग दिया है, आसाम से ही हमारे बाबूलाल जी बाकलीवाल इसके अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद चारमजी पांड्या इसके अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद लक्ष्मीचंद जी छावड़ा अध्यक्ष बने हैं, और मुझे भी आप आसाम का ही मान लीजिए। तो कहने का मतलब आसाम का योगदान महासभा को बहुत रहा है, और वो उनके बाबूलाल जी के जुड़ने से हमें बहुत खुशी हुई है बहुत ही ज़्यादा, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबसे ज़्यादा कि जिन लोगों ने भी और दिया है 1,11,000 रुपये की तरह से, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और अब इस काम को जो है खूब व्यवस्थित रूप से हम हमारे हंसमुख जी अब जब आगे आ गए हैं, तो अभी हमें कोई डर नहीं है कि अब ये काम जो है पूरा व्यवस्थित चलेगा, क्योंकि हंसमुख जी का अनुभव बहुत ज़्यादा है हर क्षेत्र में, हंसमुख जी का जो अनुभव है वो हमारे काम आएगा। और पार्श्व लोहाड़े का जो है सूझबूझ है, हमारे आचार्य देव जी महाराज भी उनकी प्रशंसा करते हैं, पार्श्व लोहाड़े की काफ़ी सूझबूझ है, तो सूझबूझ हम लोगों के इस कार्य में काम आएगी और ये काम खूब आगे बढ़ेगा। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि मैं आपको बताऊं कि 2006 के से बात होगी, उस समय हमारे जब ये सुर सब ने महासभा शुरू की थी, तो उस समय आचार्य वर्धमान साहब जी महाराज थे, आचार्य देवनी जी महाराज थे, और भट्टारक जी चारुकीर्ति जी थे, उनके सानिध्य में ये सुर सब ने महासभा का माने काम शुरू हुआ था ज़्यादा उस समय। और तो कहने का मतलब है कि आज देवनी जी महाराज के यहाँ उपस्थित रहने से, उनके आशीर्वाद मिलने से हमें बहुत खुशी है। महाराज ये सुरसम्य महासभा आपका आशीर्वाद से ही चलेगी आगे, आपका आशीर्वाद आप हमें देते रहिए, तो हम लोग सब इसको उत्साहपूर्वक इस काम को करेंगे। और भी जो है इस आप लोगों ने इतनी बातें तो बताई है, एक बात मैं अपनी तरफ से और जोड़ देता हूँ कि जो हमारे ग्रंथ विदेशों में नहीं है, किन भाषाओं में नहीं है, स्पेनिश भाषा में नहीं है, इंग्लिश से भी ज़्यादा अगर भाषा वर्ल्ड में चलती है तो स्पेनिश भाषा है, पूरा साउथ अमेरिका स्पेनिश ही बोलता है। तो हमारे जैन ग्रंथ स्पेनिश भाषा में छपाने का हमारे मन में है, जैन ग्रंथ अरबी भाषा, करीब 30 कंट्री है संसार के अरबी भाषा की पढ़ाई जाती है, अरबी भाषा है, उस भाषा में भी जैन धर्म के ग्रंथ नहीं है, उनको छपाने की बात करेंगे। और कुछ ग्रंथ हम लोग जो केमर भाषा है, जो वास्तविक कट्टर जो दिगंबर जैनी थे केमर, उनकी भाषा के अंदर में भी हम छपाएंगे, ऐसा हमारे मन में है। और इस काम को जो शिक्षा के क्षेत्र का जो काम महासभा कर रही है, और ये इस योजना से और भी उत्साह आएगा, और भी काम होगा। मैं ज़्यादा नहीं कह करके
हमारी कमल जी वी जैन को, हमारे निर्मल जी डॉक्टर निर्मल जैन को और रमा जैन को, इन सबको जो लोग पूरा सुरसवनी महासभा से शुरू से जुड़े हुए हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भगवान जिन से ये प्रार्थना करता हूँ कि आज सुभांगल जी साजी साहब ने जो इसको शुरुआत किया है, अनिल सेठी जो जिसका शुरुआत किया है, वो कार्य को हम आगे और ले जाएंगे, ये हमारे मन में भावना है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय, देवगुरु जी महाराज की जय। बाबू जी आपका धन्यवाद, आपने हमें इस योजना को आशीर्वाद प्रदान किया। आइए चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर। हमारे प्रमुख अतिथि अनिल जी सेठी अपना मनोगत व्यक्त करेंगे और इसके पश्चात सौभाग्यमल जी कटारिया भी हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आइए अनिल जी सेठी जी से निवेदन है, अपना मनोगत व्यक्त करें। जय बोलो शास्त्र नायक महावीर स्वामी की जय। इस धरती में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिनको आदरणीय सौभाग्यमल जी कटारिया उद्घाटन करे और एक ऊंचाई पे नहीं पहुंचे। ऐसे सरल और ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति इस शायद जैन समाज के अंदर बहुत विरले होते हैं और आज के कलयुग में ऐसा पुरुष मिलना बहुत मुश्किल है। उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ तो ये तो गारंटी है कि ये अपनी एक ऊंचाई को छुएगा ही छुएगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। आदरणीय परम आदरणीय निर्मल जी, काका जी को मेरा चरण स्पर्श, जमुना लाल जपावत पीएनसी मेरे माने मार्गदर्श, मेरे क्या बोलूं आदर्श पुरुष सुरेश जी, प्रदीप जी पीएनसी, सुरेश जी टीएमसी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के, केंद्रीय मंत्री प्रदीप जी आदित्य जिनका तो हम लोगों को कभी वो हमारे ऊपर थी जो उनका जो है वो तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए, उनके कारण ही हमको आज माइनॉरिटी स्टेटस मिली है। पारस जी लोहाड़िया जो एक कहाँ से एक ये सितारा उठ के आया है इस कोरोना काल में, कोरोना काल की इसकी मेहरबानी समझिए। देर आए दुरुस्त आए, जैसा कि कहा था कि जैन समाज में सब कुछ हो रहा है, जैन समाज में मंदिर बन रहे, सब कुछ बन रहे, लेकिन शिक्षा आयतन के बारे में या शिक्षा के बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं। और महासभा ने सोचा, एक शुरुआत तो हुई, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक शुरुआत तो हुई और लोगों को एक रास्ता मिला और एक सोच मिली इसके ऊपर सोचने की। ये बात एकदम ठीक है कि ज्ञान और संस्कार अगर नहीं है तो समाज और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी कोरोना काल में और लास्ट ईयर के फ्लड के अंदर मेरा कुछ जेएनयू के साथ इंटरेक्शन हुआ और या साइटों पे गया तो बेलगाम सांगली कोल्हापुर इन तीन जिलों के अंदर ही हमारे कम से कम 3 लाख परिवार ऐसे हैं जो प्रतिदिन 200 से 250 रुपए से ज्यादा नहीं कमाते हैं। लोगों की हालत इतनी खराब है कि सोच नहीं सकते हैं, मोची है, धोबी है, यहाँ की मैंने आप सुन के आश्चर्य करेंगे, ऐसे भी जेनी है जो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए अंडा तक आद बेचते हैं। तो ये जो पीएनसी भाई साहब ने, ये जो प्रदीप जी ने एक बात कही थी, मैं सोचता हूँ कि आज के जमाने में उससे सच्ची और कट्टू बात कोई नहीं कह सकता है कि कमजोर वो नहीं है, कमजोर हम हैं जो इतने सबल होते हुए भी, इतने अच्छे होते हुए भी अपने जो निर्मल भाई है जिनके पास ये नहीं है कि उनके पास साधन नहीं है, उनको हम लोग सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी मंच वाला माइक के पीछे भागते हैं, अपना नाम चाहिए, हमको माला चाहिए, हमको मंच चाहिए, वहीं हम दान देते हैं। हमको इससे उभरना होगा, इससे निकलना होगा और हमको प्रदीप जी की इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि अगर मेरा भाई कोई निर्मल है, मेरा भाई को खाना नहीं मिल रहा है, अगर वो पढ़ नहीं सकता है तो कमजोर वो नहीं है, मेरे को अधिकार है जैन बनने में और इतना सबल बनने में। इस योजना को अगर मैं पिछले 3 महीने से माइटी स्कीम्स और बिलो पॉवर्टी लाइन स्कीम्स की पूरे हिंदुस्तान की और अलग अलग प्रदेशों की स्टडी कर रहा हूँ, ये करीब 2000 पेजों का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, इसको देखने से ये लगता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सरकार, जो बीपीएल और माइनॉरिटी कंबाइंड है उसको नहीं मिले, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सरकार नहीं दे रही है। खाली है कि और जैनों के अंदर जो मैंने स्टेटिक्स देखा है कि मुस्लिम तो 100% से ज्यादा जो बेनिफिट मिलनी चाहिए वो लेके जाते हैं
और जैनी मुश्किल से 10-15% ही बेनिफिट लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण एक तो अज्ञानता, दूसरा हमारी समाज से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई हम उसके पीछे लगते नहीं है, कोई जाके उनकी फॉर्म्स नहीं भरते हैं, कोई फॉर्म फिलअप कर दे तो फॉलोअप नहीं करते हैं। जैसे मुस्लिम समाज का देखा, उनकी एक टीम है, हर जगह उनकी एक टीम है जो लोगों के पास जाती है, वो फॉर्म फिलअप करती है, वो फॉलोअप करती है और तब तक कंक्लूजन नहीं करती है जब तक उसको बेनिफिट नहीं मिल जाए। तो शायद हमको जो अब हमको शायद जरूरी है कि हम अपना कुछ समय इन भाइयों के ऊपर लगाएं और कम अगर और कुछ नहीं दे तो कम से कम इतना समय दें और एक ग्रुप बनाएं हर जगह जहां जहां हमारे ये जो निर्मल भाई बहन है उनकी एप्लीकेशन भर के अगर गवर्नमेंट से ये पैसा दिला दें तो हर चीज के लिए पैसा, शादी के लिए पैसा, पढ़ने के लिए पैसा, उच्च पढ़ने के लिए पैसा, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, गैस है, घर है, सब कुछ है। खाली हमारे जो हम लोग जो सो कॉल्ड वेल टू डू है, पढ़े लिखे हैं, समझदार है, समाज के लीडर है, उनको अपना थोड़ा सा ध्यान इस तरफ देना है कि हम संत और पंत से दूर होकर हमको इन निर्मल भाइयों की अपने रिसोर्सेज से, अपने आदमियों से उनका फॉर्म भराएं, उनको फिलअप कराएं, उनको गवर्नमेंट से दें। अगर ये अगर हम कर देते हैं तो मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ा कुछ जिंदगी में भला नहीं कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है हमारे सुरेश जी जैन जो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के चांसलर है और हमारे पूरे हिंदुस्तान में इतनी सारी जैन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अगर उनको ही अपने हम साथ ले लेते हैं और उनको साथ लेके एक नेशनल वाइड प्रोग्राम बनाते हैं तो मैं नहीं सोचता हूँ कि अगले 2 या 3 साल में हम एक उस ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे जहां आज तक माने हमने सोचा नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस हैं, हमारे पास ह्यूमन पावर है, हमारे पास मनी है, हमारे पास इंस्टीट्यूशन है। मेरे हिसाब से हमारे पास ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो नहीं है, सिर्फ एक इच्छा शक्ति की कमी है। तो आज इस मंच से मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाएं और हम एक प्रण ले लें कि हम अब हमारा कुछ जीवन, कुछ समय इन अपने निर्मल भाइयों के उत्थान के लिए हम अपना समय लगाएंगे। मैंने अगर कुछ ज्यादा कह दिया हो, गलत कह दिया हो तो सबसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जी अनिल जी, आपने बिल्कुल सही मार्गदर्शन किया है और जैसे अभी अनिल जी सेठी जी ने बताया वो माइनॉरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा संशोधन और सारा बना रहे हैं जिसको अंडर वन वेबसाइट अंडर वन उसको रेडी कर रहे हैं जिसके माध्यम से पूरे समाज को जो भी सारी माइनॉरिटी की डिटेल्स है वो मिलेगी और महासभा आपके साथ है। जो भी आपको हमारी मदद चाहिए हम आपके लिए सदैव तत्पर है। महासभा ने भी माइनॉरिटी का एक अलग से सेक्शन बनाया है जिसके माध्यम से माइनॉरिटी की सारी योजनाएं हम लोगों तक पहुंचा रहे और आपका जो कार्य है वो भी हमें मदद करेगा। आइए हम चलते हैं सौभाग्यमल जी कटारे जी की ओर जो इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि है, वे हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे और हमें मार्गदर्शन भी करेंगे। उससे पूर्व एक छोटा सा वीडियो में बताना चाह रहा हूँ जो हमने इस योजना के एडवर्टाइजिंग के लिए बनाया है कि क्या घरों में स्थिति है। छोटा सा बिल्कुल आधे मिनट का वीडियो है, इसे हम देखेंगे और फिर हम चलेंगे सौभाग्यमल जी कटारे की ओर। आइए ओ जी, बेटे के फीस का कुछ इंतजाम हुआ क्या? नहीं, 4 दिन से घूम रहा हूँ, किसी ने पैसे नहीं दिए, सबके धंधे कोरोना की वजह से बंद है। तो फिर कैसी होगी उसकी एडमिशन, कैसे पढ़ेगा वो आगे? तो अब मैं क्या करूँ, अपनी जान दे दूँ? नहीं होगा तो रहने दो, वो कुछ काम धंधा करके अपना पेट भर लेगा। ये अब मेरी बस की बात नहीं है। अगर यूं छोड़नी पड़ी बीच में पढ़ाई तो कैसे जीतेंगे हम भविष्य की लड़ाई। यह एक छोटा सा ऐड है जो इस योजना के माध्यम से हमने बनाया है और इसकी विस्तृत जानकारी इसके आगे जोड़कर सभी के लिए भेजी जाएगी। घर घर में जो आजकल ये समस्या कोरोना ने सभी के लिए आर्थिक परेशानियां खड़ी करी है और जिस वजह से अच्छे अच्छे लोगों को आज आर्थिक परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है, इसके लिए हम जल्दी और भी कई सारी योजना महासभा के माध्यम से लेकर आएंगे। आइए हम चलते हैं हमारे, जैसे कि अनिल जी सेठी जी ने बताया, अगर सौभाग्यमल जी कटारिया किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, किसी योजना का उद्घाटन करते हैं तो उस योजना को सफल होना है, मतलब होना है। तो इतने दृढ़, इतने निश्चय और इतने
प्रखर समाज सेवी के विचार, उनके मार्गदर्शन और उनसे आशीर्वाद हम लेंगे। सौभाग्यमल जी कटरे जी से निवेदन है, कृपया हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मेरा इसमें पूरा पूरा सहयोग है और ये बहुत ही सुंदर योजना है और बहुत ही आवश्यक है और समाज के ज्ञान से, ज्ञान के बराबर कोई दान नहीं है और ज्ञान के ज्ञान अपने समाज को मिले और अपने समाज से अच्छी शिक्षा मिले और लोग इसमें उन्नति करें, उसमें मेरी बहुत प्रेरणा है और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत सफल हो और इसके लिए मैं आप सबको आशीर्वाद भी देता हूँ और मेरी शुभेच्छा भी प्रेरित करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं अभी धन्यवाद प्रेषित करने के लिए मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद प्रेषित करें इस आयोजन समिति के प्रमुख श्री कार्यक्रम की सौभाग्य जी कटारिया जी की तरफ से 51,000 रुपए प्रति महीना राशि आप लिख लो इसके अंदर तो। अरे वाह, बाबूजी की तरफ से लिख लीजिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद सौभाग्यमल जी कटारिया ने, 51 रुपए प्रति माह यानी लगभग 6,00,000 रुपए इस योजना के लिए साल भर के हिसाब से दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सभी लोग, अगर आपके एरिया में, प्रदेश में कोई व्यक्ति इस तरह इस योजना में सहभागी बनना चाहता है तो कृपया जमनालाल जी, हपावत जी से उनका नाम उन तक पहुंचाए ताकि हम उनसे संपर्क करें और इस योजना में उन्हें सहभागी बनाए। मैं हसमुख जी गांधी जी से निवेदन करूंगा, वे आभार प्रदर्शन करें। अजय देवनंदी जी महाराज के चरणों में सत सत नमोस्तु करते हुए, महाराज जी का आशीर्वाद दोनों हाथों से योजना पर बना रहे इसी अनुनय विनय के साथ। समस्त हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय सुभाग जी साहब कटारिया अहमदाबाद, हमारे दीप प्रज्वलन करता माननीय अनिल जी सेठी बेंगलोर और हमारे पांचों विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रदीप जी पीएनसी मोठिया जी, आदरणीय बाबूलाल जी साहब काला, गजेंद्र जी साहब पाटनी और संजय जी साहब गंगवाल, उन पांचों के जो डायमंड स्तंभ है, और आज के हमारे विशेष अतिथि भी हैं आदरणीय निर्मल कुमारी साहब सेठी, इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे समस्त सहयोगी, हमारे जो लीडर हैं इस पूरी योजना के आदरणीय जमनालाल जी साहब हपावत, और इसका सारा संयोजन करने वाले पारस जी लोहाड़े, वीरेन जी, के जैन साहब, कमल जी ठोलिया, ज्योति जी पाटनी, आदरणीय डागरिया जी, आदरणीय अशोक जी सेठी बेंगलोर, और हमारे बाकी जो सभी सदस्य हमारी जो टीम के हैं उन सभी सदस्य, आदरणीय के डॉक्टर रमाजी जैन और कमल बी जैन साहब, और हमारे सबसे वरिष्ठ जो कि हमारी सारी मीटिंगों में प्रमुखता रखते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, आदरणीय राजकुमारी साहब सेठी जो महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, इन सभी के संयोग से आज ये इतना सुंदर आयोजन संपन्न हुआ और इतना भव्य शुभारंभ आज हुआ। यदि हम कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन, तो आज इतना अच्छा इसका आगाज हुआ है कि यह आधा काम हमारा आज पूर्ण हो गया है और ये ऐसे ही आगे बड़ी प्रगति करता रहेगा। हमारे जो बीच बीच में हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, चाहे डॉक्टर गंगवाल हो या सुरेश जी जैन कुलाधिपति हो, आदरणीय प्रदीप जी जैन झांसी हो, इन सब का जो सहयोग हमके मिला उन सब के मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। हमारे सवर धर्मचंद जी साहब और शिवपाल जी गंगवाल और जो महासभा के हमारे समस्त पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राजे जी जैन शाह, मेरे को कहीं नाम को छूट न जाए इसलिए मैं थोड़ा डर रहा हूँ, उन सब के प्रति मैं महासभा की ओर से और निर्मल ज्ञान योजना की ओर से पूरे हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब ने अपना पूरा मनोयोग से इस योजना को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया है। आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी हसमुख जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी आए हुए अतिथियों का और सभी सम्माननीय लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा आप सभी के आदेश से, आप सभी के से मैं आज की सभा यही समाप्त करता हूँ और फिर अगली बार हम फिर मिलेंगे और इस योजना से ज़्यादा लोगों तक हम संबल लोगों को मदद पहुँचाएंगे, यह आपको देकर हम इस योजना को, यही इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र, सभी को सारा जय जिनेंद्र।